ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम अध्याय 6 अष्टांग योग ध्यान योग पर चर्चा कर रहे हैं, और पिछले प्रवचन में हमने देखा कि जब अष्टांग योग की सारी विधि को बता दिया जाता है, किस तरह से ब्रह्मन साक्षात्कार होता है, परमात्मा साक्षात्कार होता है, किस तरह ध्यान लगाया जाता है, किस पर ध्यान लगाया जाता है, और कैसे जीवन को संयमित बनाया जाता है, वो सब सुनने के पश्चात अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरा मन क्या है, बहुत चंचल है ना, और उसकी वजह से जो आपने योग साधना मुझे बताई है वो मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है ना। तो फिर भगवान वहाँ बताते हैं कि आप अभ्यास से वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए, है ना। उसमें हमने अभ्यास देखा कि नवदा भक्ति का अभ्यास किया जाता है, और हमने फिर वैराग्य को देखा कि जैसे हम जब श्रवण करते हैं तो उसके माध्यम से स्वतः ही भक्ति परेशानुभाव विरक्ति अन्यत्र स्यात् विरक्ति की भावना आती है। तो इन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके पश्चात आज का जो श्लोक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और अर्जुन एक्चुअली फिर से भगवान का जो वाक्य है उसको कंफर्म करना चाहते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय में जब बुद्धि योग का वर्णन किया है वहाँ बताया है नेहा विक्रमो नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि इस पथ में की गई प्रगति है ना, ये कभी नष्ट नहीं होती है और कभी समय के साथ क्षय नहीं होता, और महान से महान भय से हमारी सुरक्षा प्रदान करती है। भगवान ने पहले ही दूसरे अध्याय में इसकी घोषणा कर दी। अभी अर्जुन दोबारा प्रश्न उठा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि योग साधना करना प्रारंभ करें और अपने भौतिक कर्तव्यों को हमने छोड़ दिया और योग साधना कुछ समय किया और आगे चल के क्या हो गया, पतन हो गया। तो अभी ना तो हम भौतिक जीवन में कुछ कर पाए ना हम आध्यात्मिक जीवन में कर पाए, तो ऐसे साधक की क्या स्थिति होती है उसके बारे में आज अर्जुन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और भगवान इसके बारे में क्या उत्तर देते हैं। तो श्लोक क्रमांक 37, अर्जुन वाचा आयति श्रद्धयोपेते योगाश्चलति मानसा अप्राप्य योग समसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं वर्ल्डली माइंडेडनेस है ना, भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सब सोचते हैं पता नहीं आगे चल के क्या होगा, हम हमेशा भक्ति कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कहीं विचलित ना हो गए, कैसी स्थिति बनेगी। तो प्रभुपाद जी यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं कि यहाँ पर जो
अप्राप्य योग समसद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो जो दो रास्ते पर है ना, जो ये अष्टांग योग के रास्ते पर है या भक्ति के रास्ते पर है, ऐसे साधक के लिए अर्जुन क्या है प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। तो दोनों विधियों में क्या है, अंततः जीव कृष्ण दास ए विश्वास, है ना, जीव कृष्ण का दास है, उस योग जो लिंक है उसको पुनः स्थापित करना। और कोई भी योग हो, चाहे वो ज्ञान योग है या अष्टांग योग है, अंततः उसका अंत कहाँ होता है, भक्ति योग पर होता है। तो सभी अगर योग है ना, योग मतलब लिंक, अलग अलग स्तर पर अगर लिंक है तो अंततः उसको सम सिद्धि मिल जाएगी, अंततः उसको परफेक्शन मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोई भी योग साधक है, यहाँ केवल भक्ति योग की बात नहीं हो रही, भक्ति योग तो है ही, हम भक्ति योग के परिप्रेक्ष्य में लेंगे, कोई भी योग साधक है उसकी गति क्या होती है। योग साधक मतलब उसने भोग को छोड़ दिया है, जो कर्म कांड के रास्ते पर नहीं है, जिसने फ्रूटी मेंटलिटी को त्याग दिया, ऐसा कोई भी साधक की क्या गति होती। फिर यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कि प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार के रास्ते को बहुत ही सिंसियरली वो स्वीकार करते हैं, है ना, लेकिन निरंतर प्रयास के बावजूद भी वो असफल हो जाते हैं, है ना, उनका पतन हो जाता है। तो पतन क्यों होता है, यहाँ देखिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, पेज 255 में के चौथी लाइन है, इस युग के लिए, हाँ, पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क ना रह पाए, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वन मे नॉट बी सफिशियंटली सीरियस अबाउट फॉलोइंग द प्रोसेस, वो एकदम पक्का सीरियस नहीं है, थोड़ा भोग भी चल रहा है, थोड़ा योग भी चल रहा है, थोड़ी साधना भी चल रही है, थोड़ा एंजॉयमेंट भी चल रहा है, ऐसा थोड़ा सा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वन मे नॉट बी सफिशियंटली सीरियस, तो एक एक शब्द प्रभुपाद जी का बहुत भारी रहता है, है ना, पर्याप्त रूप से सीरियस नहीं है। हम बोल सकते हैं सीरियस है, सिंसियर है, लेकिन जितनी गंभीरता चाहिए उतनी नहीं है। फिर दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है, टू डिक्लेयर वॉर ऑन इल्यूजरी एनर्जी, भक्ति में आना मतलब माया के प्रति युद्ध घोषित कर दिया हमने। सोचिए जिस माया ने हमें कई कितने जन्मों से पकड़ के रखा है अपनी गिरफ्त में, उसके लिए क्या हो गया, युद्ध घोषित कर दिया, है ना। फलता जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है तब वह विभिन्न प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। तो जैसे ही व्यक्ति माया के चंगुल से निकलना चाहेगा, माया के प्रति युद्ध घोषित कर दिया, तो क्या होगा, माया अलग अलग तरह के प्रलोभन देना चालू करेगी। और तीसरा कारण प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती। कहने का मतलब बहुत समय से वो प्रकृति के तीन गुणों में, तो इतना जल्दी निकल पाना या उसके जो इम्प्रेशंस को हटा पाना या उसके संस्कार को हटा पाना वो बहुत टफ है, बहुत कठिन काम है ना। यही योगस चलित मानसा अर्थात दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। तो एक शब्द आया ना, अयति, अयति मतलब असफल योगी, श्रद्धियोपेते, श्रद्धियोपेते मतलब इसने सिंसियरली श्रद्धा से फेथ से साधक का रास्ता चुना। योगस चलित मानसा, लेकिन उसका क्या हो गया, पतन हो गया। अप्राप्त योग समसिद्धि, उसको सिद्धि नहीं मिल पाई। काम गति कृष्ण गच्छति, कृष्ण आप बताइए उसकी क्या गति होती है ना। तो प्रभुपाद जी ने तीन कारण बताए पतन के, क्या क्या कारण है, पहला क्या है, वो पर्याप्त रूप से गंभीर नहीं है। दूसरा क्या है कि ये माया के लिए क्या, युद्ध है, है ना, माया के प्रति युद्ध घोषित कर दिया है, तो इसीलिए अभ्यासकर्ता को माया के पास से निकलना क्या है, बहुत मुश्किल। और तीसरा कारण क्या है कि बहुत समय के संस्कार, बहुत समय से वो प्रकृति की तीन गुणों के अंतर्गत है, इसीलिए बहुत दिव्य रूप से अनुशासित होने के बावजूद भी वो दोबारा प्रलोभित हो जाता है। योगस चलति मानुष मानसा, है ना। तो इस तो किस तरह से फिर हम और आगे पढ़ते हैं, फिर अपने प्रश्न को अर्जुन थोड़ा और क्लियर कर रहे हैं कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। श्लोक क्रमांक 38,
हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सुना ऐसा? कोई आश्रम में आना चाहता है फुल टाइम, तो उस घर वाले बोलते हैं, हाँ हमें तो कोई ऐतराज़ नहीं है, आश्रम में जाए हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम इसको जानते हैं कि जाना समय में टिकेगा नहीं, तो इसीलिए तो मेरी तो एडवाइस ये है कि अच्छा है कि ये घर पर ही रहे, और क्योंकि वो चला गया फिर कुछ समय के बाद वापस आएगा तो वो तो ना वहाँ का रहेगा, और एक दो साल जब संसार के काम से दूर रहेगा तो बाहर जाके जॉब भी नहीं कर पाएगा, तो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। किसने सुना ये? अधिकतर लोगों ने ये सब आर्गुमेंट देते हैं, करेक्ट है ना। तो अर्जुन भी देखिए, अर्जुन ने कितना, ये जो धारणा है ये अभी की नहीं है, ये उसी समय की है, बहुत पहले से चली आ रही है धारणा, है ना, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और कैसी स्थिति हो गई, जैसे एक बहुत बड़ा बादल है, उसमें से एक छोटा बादल का टुकड़ा निकल गया और बहुत बड़े बादल के उससे वो चला गया, अभी उसका अकेला अस्तित्व है, बड़े बादल के ग्रुप से वो निकल गया तो छिन्न भिन्न हो गया, मतलब उस बादल का कोई शेल्टर नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, है ना, वो खो गया ना, तो मटेरियली अनसक्सेसफुल है और स्पिरिचुअली अनसक्सेसफुल, दोनों तरह से वो जीवन में हार गया, है ना। ओके, तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, उन्नति के दो मार्ग हैं, उन्नति के दो मार्ग होते हैं। पहला है जो भौतिकतावादियों का मार्ग है, जो भौतिक रूप से प्रगत होना चाहते हैं, है ना, तो भौतिक प्रगति जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, मटेरियल प्रोग्रेस ही वर्ड अपने आप में है, सही नहीं है। और फिर कोई आध्यात्मिक रूप से प्रगत होना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ लिख रहे हैं, यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है, दूसरे शब्दों में वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है ना आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर पाता है, उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। उदाहरण, कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है, है ना। तो ये असफल योगी की गति कुछ इस तरह से होती है ना। फिर यहाँ पर एक शब्द आया है, ब्रह्मणापथी, ब्रह्मणापथी ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है, चाहे वो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहा हो या परमात्मा साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहा हो या भगवत साक्षात्कार के लिए, तीनों इस कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। लेकिन जो ब्रह्म साक्षात्कार है और परमात्मा साक्षात्कार है उनके लिए बहुत समय लग जाता है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानमान प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति। ओके, फिर अगला अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, यदि मेरा यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा डाउट ये, आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके, अभी आप ही बताएं, और मुझे कोई नहीं लग रहा, आप ही मेरे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान ने ऑलरेडी बताया है कि जीव क्या होता है, जीव की गति क्या होती है, नत्वे वाहम ना जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमता परम, पहले भी हम थे आज भी हम हैं आगे भी रहेंगे, ये जीव की क्या गति होती है उसके बारे में भगवान ने बता दी। लेकिन जो असफल योगी है, जो पतित योगी है, उसकी गति क्या होती है, वो अभी इसी श्लोक में के माध्यम से पूछ रहे हैं। तो हमें भी जैसे अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं अपने संदेह को, उसी तरह से हमें भी संदेह को पूछना चाहिए, है ना, जो गुरु है वरिष्ठ भक्त है उनसे भी हमें डाउट है संदेह है वो पूछना चाहिए, संदेह पूछना गलत नहीं, प्रश्न पूछना गलत नहीं। तो अभी इन तीनों श्लोकों को हम थोड़ा और अच्छे गहराई से डिस्कस करते हैं। तो पतन के अलग अलग कारण क्या होते हैं, पतन का जो मुख्य कारण है वो सिंपल है,
इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। अभी वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अलग अलग तरह से प्रकट होती है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो सेवा हो सकती है या भोग हो सकता है, दोनों साथ में नहीं चल सकता। या तो सेवा होगी या भोग होगा। तो जहां भी भोग आएगा वहां व्यक्ति क्या होगा, धीरे 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 फिसलना चालू हो जाएगा। अगर दोनों साथ में चलेगा, जैसे हमने पहले के श्लोक के एक तात्पर्य में पढ़ा था कि व्यक्ति पेट्रोल भी डालना है और पानी भी डालना है, तो क्या निकलना है, धुआं निकलना है। तो धुएं के ऊपर कोई कुकिंग कर सकता है ना, कि धुआं बहुत तेज धुआं है, चलो उस पर रोटी बनाता है, तो रोटी नहीं बनेगी, है ना। तो वो धुआं जैसी भक्ति होगी तो उससे कुछ होने नहीं वाला, खुद खांसेंगे और दूसरे भी खांसेंगे हमारे आसपास वाले, हम खुद भी डिस्टर्ब रहेंगे, आसपास के लोगों को भी डिस्टर्ब करेंगे, तो वो तो कोई है ही नहीं, ठीक है। अभी ये इंद्रिय तृप्ति की भावना किस तरह से अलग अलग तरीके से प्रकट होती है उसको थोड़ा सा हम प्रयास करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि कई भक्त हैं जो, और ये हम किस स्तर पर डिस्कस कर रहे हैं, ये हम चाहे आश्रम के भक्त हों या गृहस्थ भक्त हों, किसी भी स्तर के भक्त हैं, उन सब के लिए चर्चा डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो ऐसा सभी कैटेगरीज में ऐसा देखा जाता है कि डिवोटीज आते हैं, कुछ समय रहते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, उत्साह रहता है, और धीरे धीरे उत्साह कम होता है और फिर डाउट्स आना चालू होते हैं, और कुछ समय के बाद भक्ति से चले जाते हैं, है ना। जैसे मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि कोई डिवोटी थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, और काफ़ी समय तक उन्होंने सेवा किया, और कुछ कारणों की वजह से, कारण तो उस लेक्चर में नहीं बताया, उन्होंने मूवमेंट को छोड़ दिया। और मूवमेंट को छोड़ने के बाद अभी वो कोई स्कॉलरशिप कर रहे हैं, और वो कुछ पेपर पब्लिश कर रहे हैं, और उस पेपर में लिख रहे हैं कि इस्कॉन कैसे गलत है, श्री प्रभुपाद की शिक्षाएं कैसे गलत हैं, और कैसे मुझे धोखा दिया गया, ये पेपर पब्लिश कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य जो कई सालों तक प्रभुपाद जी की सेवा किया, बीबीटी में रहे, तो ऐसा क्यों होता है, ये हमें मन में सोचना चाहिए। और हमें लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हर व्यक्ति क्या सोचता है, ऐसा मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला, जब ऐसे ही हो गया, आहानी आनी भूतानी गच्छन्ति ही हमारे, है ना, कि सब मृत्यु लोग को जा रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे मृत्यु नहीं आई। उसी तरह से हमारे सामने, हमारे देखते देखते ऐसे कई डिवोटीज हैं जो आए और चले गए, तो ऐसा क्यों है। तो अगर इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो कुछ मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं, और सारे पॉइंट्स का सार तो यही है कि व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की भावना आती है, और इंद्रिय तृप्ति की भावना अलग अलग तरह से प्रकट होती है, है ना। तो ये माया से युद्ध है, तो युद्ध होता है तो क्या होता है, गन चल रही है, बॉम्ब गिर रहे हैं, है ना, मिसाइल चल रही है, तो व्यक्ति को थोड़ा सा झुक जाना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे लेट गया, वो व्यक्ति लेट गया और गन चल रही, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बचा रहेगा, है ना। तो तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहस्मा अमानिना मान देना कीर्तनिया सुधार। ये हमारा क्या है, सिद्ध प्रणाली मंत्र है, इससे, इस मंत्र से ही परफेक्शन मिलने वाला है, बस इसी को फॉलो करने में समस्या हो जाती है ना। और बॉम्ब गिर रहे हैं और हम खड़े हैं सीना तान के, तो क्या होगा, सबसे पहले लग जाएगा, है ना। तो जैसी प्राइड आएगा, अहंकार आएगा, तो उसकी वजह से फिर माया के प्रहार को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या क्या कारण है, पहला कारण है हमारी साधना कमज़ोर हो जाती है, है ना। हम देखते हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम में सो रहे हैं, कई दिनों तक सो रहे हैं, और उसका हमें लग भी नहीं रहा कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, और रीडिंग पढ़ाई नहीं हो रही है, अब तो हमने सारे लेक्चर सुन लिए हैं, अब तो मैं खुद ही लेक्चर देता हूँ, और सब कुछ तो पता ही है, अब क्या पढ़ने की ज़रूरत है, है ना। तो अब तो बस लगे रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। तो ये देखते हैं, एक बहुत कॉमन सिम्टम है कि साधना के प्रति क्या हो जाती, अरुचि हो जाती है, है ना। सेवा ही तो करना है, लेक्चर सुन के क्या करना है, सेवा करना है, पढ़ के क्या करना है, सेवा करना है, चैंटिंग में क्या मांग रहे हैं, सेवा मांग रहे हैं।
तो बस सेवा करते रहो, फिर धीरे 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 क्या हो जाती है, साधना वीक हो जाती है। और जैसे ही साधना वीक होती है वैसे ही भौतिक इच्छाएं आना चालू हो जाती है, और ये हर कोई फील कर सकता है ना। ये आप टेस्ट कीजिए, कीजिएगा मत। जैसे एक एग्जांपल है, एक ब्रह्मचारी थे बड़ोड़ा मंदिर में, बहुत पहले की बात है 92-94। तो बहुत अच्छी सेवा करते थे, बहुत समय से आश्रम में थे। तो वो गुरु महाराज के पास में आते हैं और बोलते हैं कि महाराज अब तो मैं जा रहा हूँ, बस बहुत हो गया, बस अब तो नहीं रह सकता। तो महाराज ने क्या क्या हुआ, बोले कुछ नहीं नहीं अब तो मैं नहीं रह सकता, बस फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ इतना प्रेशर झेलते झेलते। तो महाराज ने कहा अभी आप कुछ मत कीजिए, आप कोई सेवा मत कीजिए, बस जप कीजिए, आप जो भी है अच्छे से आप जप कर लीजिए और फिर हम फिर मीटिंग करेंगे 7 दिन के बाद, फिर आप आइएगा। तो वो 7 दिन अपना जप किया, रीडिंग किया, 7वें दिन आए और फिर महाराज से माफ़ी मांगने लगे। मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, मेरे मन में क्या आ गया था, मैं तो वापस जा रहा था, ऐसा हो गया ये हो गया। तो वो बहुत दिन से, कई दिनों से वो जप ही नहीं कर रहे थे, कई दिन से जप नहीं कर रहे थे। अभी उसका जेन्युइन रीज़न हो सकता है कि फेस्टिवल था, बहुत सारा मैनेजमेंट देखना है, लेकिन उससे क्या होता है, जो हमको शक्ति मिलना है, जो हमारे लिए वो खाना है, हमारे लिए भोजन है, अभी हम एक दिन हम प्रसाद नहीं लें, एक टाइम नहीं लें, उसी में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम एक दिन प्रसाद नहीं लें निर्जला के, अगले दिन क्या होता है ना, कुछ मन नहीं लगता है। एक दिन निर्जला लगते हैं, उसके बाद मन नहीं लगता है। तो एक दिन अगर हमने साधना नहीं किया है ना, जप नहीं किया, रीडिंग नहीं किया है ना, और लिसनिंग नहीं किया, हियरिंग नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, वीकनेस आएगा। अगर हम वीक हो गए, ठीक है, फिर दूसरे दिन नहीं किया, फिर तीसरे दिन नहीं किया, चौथे दिन नहीं किया, पूरे महीने अच्छे से नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, माया का अटैक अच्छी तरह से होगा, माया छोटे से झटके में उड़ा देगी हमको। अगर हम स्ट्रांग हैं, अगर साधना अच्छे से चल रही है, तो माया क्या फिर अटैक करेगी, उसका हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। माया का अटैक तो आने वाला, बॉम्ब तो गिरेंगे, लेकिन कवच, कवच पहन के रखा है ना, वो बुलेट प्रूफ जैकेट वो पहन के रखी है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैकेट निकाल दिया और चल रहे हैं बस युद्ध करने, तो क्या होगा, घायल होके आ जाएंगे। इसीलिए कई भक्तों के जीवन में देखा जाता है कि उनकी जो साधना है वो फिर अच्छे से नहीं होती है ना। तो यस, जैसे कभी कभी होता है, जन्माष्टमी है और यात्रा होती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन आता है, और घर के, जैसे घर में जैसे गृहस्थ भक्त हैं तो किन्हीं का कोई मैरिज है, कोई फंक्शन है, कुछ कार्य चल रहे हैं, तो उसमें बहुत लंबे समय तक हम साधना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। घर की कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बहुत ज़्यादा हम फंसे हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे अगर उस समय हमने साधना को मेंटेन रखा तो भक्ति में भी हम पक्के होते हैं और हमें साक्षात्कार भी आते हैं, है ना। और उस समय हमने ढिलाई बरती चैंटिंग में, हियरिंग में या रीडिंग में, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद रुचि चली जाएगी। और ऐसा बहुत कॉमन है, सब सच भी बताते हैं इस चीज़ को, कि आप बहुत समय तक अगर रीडिंग नहीं करेंगे और फिर आपने भगवद्गीता उठाई या भागवतम उठाई तो आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होती, आधे घंटे तक तो मन ही लगेगा क्या पढ़ रहा हूँ, वो तो पढ़ा तो है, ये तो पढ़ा, हर लाइन तो पता है, हर चीज़ तो पता है, हर चीज़ सुनी है, पढ़ने का आपका इच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, वो टेस्ट चला जाएगा। इसीलिए साधना को अच्छे से मेंटेन रखें। कभी कभी ठीक है कि जैसे मैंने बताया कि किसी घर में कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें बहुत दिनों की तैयारी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन है, जन्माष्टमी है, उस दिन चलो ठीक है, है ना, उसके बाद में या वो तैयारी से पहले हमें अपने आप को स्ट्रांग कर लेना है। फिर दूसरा कारण है ईगो, है ना, अहंकार की भावना या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, श्रेष्ठता की भावना। किसी भक्त में अहंकार की भावना आ गई या श्रेष्ठता की भावना आ गई, उस वो सेवा में बहुत दक्ष है, कोई सेवा बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, कोई बहुत अच्छे से मृदंग बजा लेता है, कोई अच्छे से कोई भी उसको सेवा की जो स्किल्स दी जाती है उसमें बहुत एकदम पक्का है और रूल्स को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता है, बहुत ऑस्टियर है ना, और सीनियर हो गए अभी है ना, दीक्षा भी हो गई है, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, एक श्रेष्ठता की भावना आ जाती है। जब वो अहंकार की भावना आती है और श्रेष्ठता की भावना आती है तो उस स्तर का हम रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से,
कि मुझे इतना आता है, मुझे इतना ये साल हो गए हैं, मैं इतना ऑस्टियर हूँ, मैंने इतने सांस पढ़ रखे हैं, मैं इस चीज़ में बहुत दक्ष हूँ, तो सब मुझे उस तरह से सम्मान करें। और जब उस तरह से वो सम्मान नहीं करते हैं और कभी असम्मान कर देते हैं या हमारे मिथ्या अहंकार को चोट लगती है, तो ऐसे फिर हम भक्ति छोड़ के ही चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस, नाम से तो डिस्कस नहीं करेंगे, तो ऐसा होता है ना, प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं है मिला और सीनियर की तरह ट्रीट नहीं किया। तो हम यहाँ कोई सीनियर जूनियर बनने नहीं आए, हम कृष्णदास बनने आए है ना, या हम ऑस्टियर किस लिए होने वाले हैं, जिससे हम भगवान की सेवा अच्छी तरह कर सके। हमें दक्षता क्यों लाना है, जिससे हम भगवान की सेवा अच्छे, हम दक्ष हैं किसी में, बहुत तपस्वी हैं, हर चीज़ में पक्का रहते हैं, तो उसके वजह से अगर हम अहंकार आ रहा है, स्वार्थ की भावना आ रही है ना, श्रेष्ठता की भावना आ रही है, तो क्या हो रहा है, हृदय और कठोर होता जा रहा है, हृदय और क्या हो रहा है, हार्ड होता जा रहा है। और उसकी वजह से क्या होगा, जो कठोर हृदय है, जहाँ पर अहंकार है, वहाँ भगवान नहीं आने वाले, वहाँ भक्त नहीं आने वाले है ना। और ऐसे भक्त चले जाते, बहुत छोटी सी बात होती है, छोटी सी बात हुआ, भक्तों के बीच में थोड़ा सा अनबन हुआ, एकदम छोटी सी बात को लेके हम तो अब नहीं आएंगे है ना। आश्रम में भी होता है और उन जो मंदिर से जुड़े हुए भक्त हैं उनके बीच में भी होता है। ऐसे एक भक्त थे, उनको ऐसे कुछ बोल दिया और इतना ज़्यादा परेशान हो गए, इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि आश्रम छोड़ के चले गए। और अभी वो पछताते हैं, क्या मैं उस समय ऐसा क्यों किया, उस समय थोड़ा सहन कर लेता, मन को थोड़ा मना लेता कि नहीं ऐसा होता है, बहुत संसार में ऐसे टकराहटें होती हैं, तो इसको छोड़ देना चाहिए, इतना ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए, अभी मुझे फील होता है। लेकिन अब मैं दोबारा उस पोजिशन में नहीं आ सकता, क्योंकि अभी मैं बहुत दूसरे डायरेक्शन में निकल गया। तो ऐसा होता है, फिर उसमें वो होता है, क्या बोलेंगे, नहीं खेद, खेद ग्लानी, रिपेंटेंस, कि यार ऐसा क्यों किया, ये तो बहुत छोटी बात थी, इतनी छोटी बात को मैंने इतना बना दिया था है ना। ऐसे ही होता है कि मंदिर में कुछ अनबन होती है, कुछ समस्या होती है, अरे हम तो बस अपने घर रह के सेवा करेंगे, घर में भी तो भक्ति हो जाती है, घर में मंगल आरती कर सकते हैं, घर में रीडिंग कर सकते हैं, घर में ऑनलाइन लेक्चर सुन सकते हैं, क्या ज़रूरत है, तो वो तो वहाँ सब ऐसे ही हैं, और ऐसे बोल दिया मुझे, मुझे ऐसा कर दिया, मुझे प्रसाद के लिए नहीं पूछा, मुझे ऐसा बोल दिया, इतना कॉम्प्लेक्स माइंड है, इतना कॉम्प्लेक्स माइंड है, इतना ज़्यादा श्रेष्ठता की भावना है, तो उससे क्या होता है, फिर डिवोटीज चले जाते हैं, है बहुत कॉमन है ना। तो इसीलिए पुनर्मुषिका भाव, सुना है स्टोरी पुनर्मुषिका भाव, तो वो स्टोरी बहुत इंस्ट्रक्टिव है, कि हम चूहे थे, सब भक्ति में आने से पहले सब चूहे थे किसी का माइंड पे कंट्रोल नहीं था, किसी का सेंसेस पे कंट्रोल नहीं था, सब पशु जैसे जीवन जी रहे थे। तो यहाँ तक जो हम पहुँच पाए, किन की वजह से पहुँचे, कृष्ण की वजह से, गुरु की वजह से, वैष्णव की वजह से, उनकी कृपा से पहुँचे। तो अभी चूहे से कुछ शेर जैसे बन गए, और जिनकी वजह से पहुँचे उन्हीं के ऊपर धाड़ रहे, वैष्णव के ऊपर धाड़ रहे गुरु के ऊपर ही धाड़ रहे है ना। तो क्या होगा, पुनर्मुषिका भव, फिर से चूहे बन जा है ना। तो ऐसा होता है प्रभुपाद जी के कई शिष्य हैं, तो कोई हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों से हम सीख सकते हैं। ये इतना वो नहीं है, ये डिस्कस करना इतना आनंददायक नहीं है कि हम भगवान का रूप, नाम, रूप, गुण, लीला डिस्कस करें, उसमें इतना आनंद आएगा, उसमें इतना आनंद नहीं आने वाला, लेकिन ये हमारी बीमारी है, इसको हमको समझना पड़ेगा है ना। तो ये ईगो सेंट्रिक और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, इससे हमें निकलना होगा, नहीं तो पुनर्मुषिका भाव। फिर है स्वार्थ केंद्रित, मिशनरी स्पिरिट नहीं है किसी में। मिशनरी स्पिरिट कैसे बोल सकते हैं, कि अपने आप को प्रभुपाद जी के मिशन से कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ पता नहीं, या बस खुद की, खुद स्वार्थ, खुद का स्वार्थ है बस, खुद की भक्ति, खुद की सेवा, खुद का जप और खुद का उत्थान, खुद की मुक्ति, खुद का भगवत धाम, बस यही चल रहा है, बस भक्ति भी एक भक्ति है, मैं है ना, मेरा जप, मेरी साधना, मेरा प्रसाद, मेरा सोना, मेरा उठना, मेरा कपड़े धोना, बस वही मैं वही चल रहा। तो
ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने आप को प्रभुपाद जी के मिशन से कनेक्टेड फील नहीं कर पाता, कनेक्टेड नहीं देख पाता, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर कुछ समय के बाद वो सब चीज़ें रूटीन बन जाती, फिर जो नयापन है वो चला जाता है, और जैसे ही वो नयापन चला जाता है तो क्या लगता है, अरे यार क्या कर रहा हूँ यार, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, क्या रोज़ वही लेक्चर ज़बरदस्ती अटेंड करना पड़ता है, वही रोज़ जप करो, रोज़ सेवा, क्या बस। तो ऐसा होता है क्योंकि हम क्या हैं, स्वार्थ केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड भक्ति चल रही है हमारी, हम खुद की भक्ति से संतुष्ट हो गए। जैसे मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि हमारी जो उत्साह कैसे आता है, कि सारी एक्टिविटीज़ थोड़ा थोड़ा पार्ट में होना चाहिए। तो एक एक्टिविटी क्या है, जीवे दया, जीव पे दया करना, जो मासूम लोग उन पर दया करना। तो अगर हमारी मिशनरी स्पिरिट नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि हम नए लोगों को प्रचार करें, जो डिबूटीज़ हैं उनकी हम सेवा कर सकते हैं, जो के नीचे हम हेल्प कर सकते हैं उसके माध्यम से, है ना। कई भक्त होते हैं उनका शेड्यूल बहुत एकदम पक्का होता है, ये करना ये करना ये करना ये करना, आसपास कौन है, कोई है, किसी के मतलब ही नहीं, मतलब अपना सब कर रहे हैं, तो ये भी इसमें भी खतरे की घंटी बज जाती है। तो इसलिए कोई भी सेवा कर रहे हैं, जरूरी हम प्रचार की सेवा कर रहे हैं या किसी को हम सिखा रहे हैं, कई भी सेवा है, उसे ये समझना है कि कैसे ये प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को मैं फॉलो कर पा रहा हूँ, कैसे मैं प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही हूँ। जब ये मुझे पता होगा तो हम अपने आप को मिशन से कनेक्टेड मानेंगे। अगर हम सब कुछ कर रहे हैं और हमको लग नहीं रहा कि प्रभुपाद जी के मिशन में कहाँ आ रही है, और हमको जब ये फील नहीं हो रहा है, तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, वो रूटीन हो जाएगा, और रूटीन वाला फिर ज़्यादा समय तक चलता नहीं है, क्योंकि हमें कुछ नया चाहिए, तो वो प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं है। इसमें और भी हम और कुछ डिस्कस कर सकते हैं, जो भजनानंदी हैं उनको इमिटेट करना, है ना, कॉम्प्लेसेंसी आ जाना, कॉम्प्लेसेंसी क्या बोलेंगे, शिथिलता, शिथिलता आ जाना, है ना। ओके, फिर अगला है कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, जटिल सोच, एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिक बिहेवियर। महाराज ब्रह्मचर्य बुक में लिखते हैं कि ब्रह्मचारी आश्रम में एक्सेंट्रिक लोग होना, मतलब ये असामान्य नहीं है, है ना, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं, सिंप्लिसिटी इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ ए वैष्णव। जो वैष्णव है उसका सबसे पहला लक्षण क्या है, सरलता। सरल व्यक्ति ही वैष्णव हो सकता। अभी सरल का मतलब मूर्ख नहीं होता, लोग सोचते हैं सारे तो सरल है, अलग भी तो होगा। तो सरल व्यक्ति ऐसा नहीं मूर्ख होगा, है ना। तो प्रभुपाद बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीट कर ले उनको। तो सरल मतलब अंदर बाहर एक समान, ऐसा नहीं उनको क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि उनको समझने में बहुत समस्या हो रही है ना। पता नहीं ये हमारे मिस्टर इंटेलिजेंस उनके मन में क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है अभी, क्या प्रॉब्लम है, मतलब आप डिस्कस किया, चर्चा किया, बात ख़त्म। ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है अभी, क्या हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जो है बात ख़त्म, डिस्कस किया, बात ख़त्म कर दिया, उसको खींचते नहीं रहना, उसको बना के नहीं रखना, जो भी है डिस्कस किया, बात ख़त्म किया। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं होना चाहिए, है ना। हमें कुछ समस्या आ रही है, जिन पे हमारा विश्वास है, उनसे हमने डिस्कस किया कि प्रभु जी ऐसा ऐसा लग रहा है, या माता है तो माता जी से डिस्कस किया, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है, क्या करें, हाँ ऐसा हो गया, ये करो ये करो ये करो, हो गया, बस बात ख़त्म। अभी ऐसा नहीं 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 5 साल हो गए, बस वही चले जा रहा है, चला जा रहा है, चला रहा है ना। तो भक्ति में कोई समस्या आ रही है तो ठीक है, आप डिस्कस कीजिए, ये समस्या आ रही है, ये समस्या, इन भक्तों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे आ रही, इसको ऐसे करो, बस बात ख़त्म हो। तो ये है सरलता, है ना। फिर जब सो कॉल्ड सीनियर डिवोटी जब थोड़ा समय हो जाता है तो सब सम्मान भी देते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा भी मिलती है, तो उस सम्मान को अपने गुरु को पास नहीं कर पाना, कि सम्मान मुझे क्यों मिल रहा है,
यह मुझे पूजा लाभ प्रतिष्ठा क्यों मिल रही है, किस लिए मिल रही है? जैसे वो उदाहरण आता है गधे, गधा था एक, है ना, तो गधे ने, गधे के ऊपर विग्रह रखे हुए थे भगवान के, तो गधा चल रहा था ऐसे ऐसे, तो जो भी आता प्रणाम करता। अभी गधे को लग रहा मुझे प्रणाम कर रहे हैं तो जो भी मिलता दंडवत प्रणाम, प्रणाम प्रभु जी प्रणाम कर रहे हैं, तो गधे को लगने का वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो, सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सब दंडवत कर रहे हैं। तो गधा इतना खुश हुआ किसने दोनों आगे की दो पैर उठा लिए ऐसे और ऐसे करने लगा, तो क्या होगा, विग्रह गिर गए, तो कोई उसको प्रणाम नहीं कर रहा था, उसके बाद प्रणाम करना छोड़ दिया। तो प्रभुपाद जी जैसे प्रथम स्कंध में बताते हैं, जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब है ना, बल्ब है, तो बल्ब क्या है, मेन सोर्स से जुड़ा हुआ, तो उसमें क्या चमक है, जैसे ट्यूबलाइट जल रही तो उसमें चमक है, तो इसकी खुद की कोई चमक नहीं है, इसकी कोई ब्राइटनेस नहीं है, क्योंकि वो सोर्स से जुड़ा हुआ है इसीलिए वो ब्राइट दिख रहा है। तो इसीलिए हमारे अंदर कोई गुण आ रहे हैं, कोई दक्षता आ रही, कोई क्षम, कुछ कार्य कर पा रहे हैं, कुछ सिग्निफिकेंट कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, वो सबके पीछे कारण क्या है, क्योंकि हम गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्टेड है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्टेड है तो हमको शक्ति मिल रही है, तो हमको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है। अगर हम गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्टेड नहीं है या फील नहीं कर पा रहे हैं तो कोई शक्ति नहीं मिलेगी। फिर अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए हम सेवा करेंगे, अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए साधना करेंगे, अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए प्रचार करेंगे, सिंपल। तो ये बहुत, इसमें भी बहुत ट्रैप हो जाते हैं लोग कि जो भी हमको मिला, और कई बार तो ऐसा होता है गुरु को भी रिजेक्ट कर देते हैं, इतने बड़े भक्त बन गए और गुरु बोल रहे हैं कि नहीं आप ऐसा कीजिए, नहीं गुरु महाराज आप ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, वहाँ बोलते ठीक है करो जो करना करो, तो गुरु है किस लिए, तुमने गुरु बनाए क्यों फिर, तो गुरु जब करना ही था अपने मन का तो गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता क्या थी, है ना। तो ऐसा होता है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और डाइजेस्ट नहीं होता तो क्या, इनडाइजेशन हो जाता है है ना। तो ऐसा होता है कई भक्तों के जीवन में इनडाइजेशन हो जाता है, तो इसीलिए एक गधे का उदाहरण याद रखे, हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम तो 0 वाट के बल्ब हैं बस थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं तो थोड़ा बहुत प्रकाश कुछ कर पा रहे हैं। ओके, योग्यता बेचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार, है ना, कोई योग्यता नहीं है, है ना। तो इसीलिए अगर सम्मान पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं मिल रही तो बढ़िया, बहुत अच्छा, अपने सेवा करते रहेंगे। अगर पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिल रही है और उससे हम प्रभावित हो गए तो जो हमने सेवा की वो कृष्ण दा गुरु तक नहीं पहुंची, वहीं ब्लॉक कर दिया हमने, हमने बहुत मेहनत किया बहुत सेवा किया और किसने बोला अरे क्या प्रभु जी क्या बनाया आपने कितना बढ़िया बनाया, क्या प्रभु जी क्या लेक्चर दिया आपने, कितना आप डिस्ट्रीब्यूट करके आए, हाँ नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा तो नहीं है बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, अंदर सोचेंगे हाँ आप ही मुझे अच्छे समझे और तो कोई बड़ाई करते नहीं है, और तो सब बोलते रहते हैं, आप ही हैं जो मुझे समझ पाए तो वो क्या होगा, सेवा गुरु तक नहीं जा पाई, वो भगवान तक नहीं पहुंची, वहीं हमने क्या कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। तो इसीलिए महाराज कई बार इनिशिएशन लेक्चर में बताते हैं कि गुरु का पद क्या होता है, बहुत कठिन होता है, क्योंकि गुरु को सम्मान मिल रहा है और वो सम्मान उनको अपने गुरु को ट्रांसफ़र करना है, अपने गुरु को ट्रांसफ़र नहीं किया तो ऐसी स्थिति हो जाती है ना। ओके, अगला है स्वतंत्र व्यवहार, इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी, विम्सिकल बिहेवियर, है ना, या शास्त्र विधि उत्सर्जित वर्तते कामकारता, कामकारता मतलब विम्सिकल बिहेवियर, न स सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न परम गति। तो स्वतंत्र बिहेवियर, स्वतंत्र बिहेवियर का मतलब क्या है, अपने हिसाब से कार्यों को करना, है ना, कर रहे हम सेवा हैं लेकिन अपने हिसाब से करेंगे, उसमें कोई अप्रूवल सिस्टम नहीं है, हमने किसी से अनुमति नहीं मांगी है, किसी से हमने पूछा नहीं है, किसी से हमें विचार विमर्श नहीं किया है, और अपनी इच्छा से हम चीज़ों को करते जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, है ना। तो क्या होता है जब अपनी इच्छा से करते हैं तो बहुत सारे चांस होते हैं कि हम धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति की तरफ डाइवर्ट
और ऐसे स्वतंत्र मानसिकता रखने वाले भक्तों का भी पतन हुआ है। बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, अच्छा डेडिकेशन है, सब कुछ है, लेकिन ये एक समस्या है कि वो किसी के अंडर में नहीं रह सकते। समस्या एक चीज़ है, सब कर लेंगे, जप कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, सेवा कर लेंगे, कुकिंग कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन किसी के अंडर रहना वो नहीं हो पाएगा हमसे, है ना। तो ये बहुत कॉमन देखा जाता है स्वतंत्र व्यवहार, है ना, क्योंकि किसी के अंडर रहेंगे तो फिर अपनी जो मनमानी करना था वो नहीं कर पाएंगे, जो हम अपनी इच्छा से करना चाहते थे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो बोलेंगे नहीं ऐसा करो, फिर बोलेंगे ऐसा करो, नहीं ऐसा करो, तो दिमाग में इतना अभी मुझे अभी सुनने की आदत नहीं है, मुझे बस लोगों को बताने की आदत है, मैं बस बताऊंगा, मैं कभी बस सिखाऊंगा, मैं सुनूंगा नहीं। तो फिर क्या हो गया, फिर जिनको आप गाइड कर रहे हैं ना वो भी फिर आपकी तरह स्वतंत्र बन जाएंगे। अगर आप किसी के द्वारा गाइडेड नहीं हैं तो आप जिनको गाइड करेंगे वो भी फिर आगे चल के आपसे गाइडेंस नहीं लेंगे, ये पक्का बात है, क्योंकि वो भी तो आपके एग्जाम्पल को देखेंगे ना कि आपका तो कोई किसी से कनेक्शन है ही नहीं ऊपर, और आप गाइड कर रहे हैं, तो फिर कुछ समय बाद हम भी फिर गाइडेंस लेना बंद कर देंगे। ऐसा होता है, बहुत कुछ सेवा कर सकते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट सेवा कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन किसी के अंडर में नहीं रह पाते। तो बस अभी अपने मन के अंडर में रहो, इंटेलिजेंस के अंडर में रहो, या फिर आसन छोड़ के जाना पड़ता है उनको। तो वो क्या कैसे हैं, अपना जो मरीज है खुद का इलाज करना जा रहा है, ऐसे ही स्वतंत्र मानसिकता कैसा है, हार्ट सर्जरी करना है खुद ही करते हैं, चलो हार्ट सर्जरी खुद एनेस्थीसिया देते हैं, खुद इंजेक्शन लगाते हैं, खुद उसमें करते हैं। तो ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, ये स्वतंत्र व्यवहार होता है ना, बहुत सूक्ष्म होता है ना। कभी कभी होता है ऐसे, डिवोटीज बोलते हैं कि क्या किया करो, कर लिया करो चीज़ों को, फिर प्रभु जी को बता दिया करो। तो अब तो कर ही लिया, अभी कर लिया उसके बाद बताएंगे तो अब क्या, आप तो रिवर्स तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि करने से पहले बताते तो मना कर देते हो, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी, है ना। तो करने से पहले पूछना चाहिए, करने के बाद जैसे कई बार महाराज ऐसे एक भक्त थे, तो उनके पास कोई पूछने कुछ गया तो बोलते हैं आप पूछने आए या बताने आए, कभी कभी भक्तों से पूछ ऐसे क्वेश्चन करना पड़ता है कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं या मुझे बताने आए, बताइए। अगर बताने आए तो मैं सुन लूँगा, बात खत्म हो जाएगी, अगर आप मुझसे पूछने आए तो मैं आपको उसको आंसर दूंगा उसका कि ये करो ये नहीं करो। तो गुरु के पास हमें बताना नहीं चाहिए, हमें पूछना चाहिए, है ना। तो ये स्वतंत्र मानसिकता मनमानी ये बहुत बहुत डेंजरस है, इसकी वजह से कई बहुत अच्छे अच्छे भक्त थे और वो फिर अभी भक्ति में नहीं है, है ना। फिर अगला है, और आप देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं हर चीज़ में इंद्रिय तृप्ति है, आप देखिएगा सेंटर इंद्रिय तृप्ति है। फिर है अकेलापन, नो फ्रेंडशिप, है ना, मतलब कोई हमारा डीप फ्रेंडशिप नहीं है, है ना, किसी के साथ बहुत गहरा संबंध नहीं है कि अगर हम फिसल रहे हैं तो कोई हमको खींच ले, ऐसा नहीं है। हैं बहुत सारे डिवोटीज़ के साथ में हैं, साथ में सेवा करते हैं, साथ में प्रचार में जाते हैं, साथ में हम संडे को कुकिंग सेवा करते हैं, सब साथ में करते हैं, लेकिन किन्हीं भक्त के साथ हमारा बहुत कोई गहरा संबंध नहीं है कि जब हम प्रॉब्लम में हों तो हम कुछ शेयर कर पाएँ या एक दूसरे से हम पूछें, ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो अगर हम स्लिप हो रहे हैं तो व्यक्ति क्या होगा, हमको खींच लेगा। अगर हमको स्लिप हो रहे हैं और हमारे साथ किसी के साथ हमारा संबंध नहीं है तो क्या हो जाएंगे, हम स्लिप हो जाएंगे, हमको पता नहीं चलेगा। तो अभी समय में जैसे एक डिवोटी हैं, कुछ 3-4 साल पहले आए थे, तो उनकी हमेशा एक कंप्लेन होती थी कि अरे प्रभु जी आश्रम में तो ऐसा है, प्रभु जी आश्रम में ऐसा है, ऐसा हो रहा है। तो सब सच भी बोले कि या तो पूरा आश्रम गलत है या आप गलत हैं, ये तो पूरे आश्रम वाले गलत हो गए या आप गलत हो गए, तो बताइए कौन गलत है। तो फिर वो माने हाँ मेरे में कुछ गलती है, इसीलिए मैं किसी के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा, किसी के साथ फ्रेंडशिप संबंध नहीं बना पा रहा। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारा लिख रहे हैं, समटाइम्स डिवोटीज में फील ओनली इवन इफ लिविंग विद सेवरल नाइस डिवोटीज, है ना, दे जस्ट कांट सीम टू रिलेट टू एनी वन इंटीमेटली, है ना। Inability to relate properly with devotees will certainly hamper our advancement in Krishna consciousness.
टू ओवरकम सच प्रॉब्लम्स वी मे कंसल्ट श्री रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट 4 ददाति प्रतिग्रहाति न गुह्यम आख्याति प्रक्षति भुंगते भोजते चैव षड्विधि प्रीति लक्षण। तो ये इसीलिए कभी भी किन्हीं भक्त को ऐसा लग रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिनके ऊपर भी आपका थोड़ा फेथ है, आप चर्चा कीजिए, आप डिस्कस कीजिए, मुझे ये फिर चमत्कार समझ, उसको बना के मत रखिए। ये सबके लिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको लंबे समय तक खींचिए मत, उसको ड्रैग मत कीजिए। अगर खींचते रहेंगे तो एक दिन क्या है, माया से तो ये तो चल ही रहा है, तो माया हमको खत्म कर देगी। फिर महाराज लिख रहे हैं, ए डिवोटी हु इज हम्बल फ्रॉम हिज हार्ट, हु एक्सपेक्ट्स नथिंग एंड डिजायर्स नथिंग बट द मीनियल सर्विस ऑफ द वैष्णव विल सर्टेनली हैव नो प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू अदर्स। तो जो वास्तव में हृदय से विनम्र है और उसकी कोई भौतिक आकांक्षा, भौतिक इच्छा नहीं है और केवल वैष्णवों का एक शुद्ध तुच्छ दास बनना चाहता है, उसको कभी दूसरों के साथ रिलेट करने में कोई समस्या नहीं होगी, वो हर किसी के साथ रिलेट कर पाए, है ना, क्योंकि उसके अहंकार बीच में नहीं आएगा। तो ये भी एक समस्या होती है भक्तों के बीच में। फिर अवैध स्त्री पुरुष संघ, है ना, जो फोर्थ रेगुलेटिव प्रिंसिपल, उसको तोड़ना, है ना, तो भक्ति के नाम पे, प्रचार के नाम पर और चीज़ों को प्रचार में जो वस्तु हैं उसको यूज करने के नाम पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें उपयोग करते हैं जहाँ पे हम इस अवैध स्त्री पुरुष संघ में जा सकते हैं, इसलिए इसे बहुत सावधान रहना। फिर है संशय के ऊपर तो हमने डिस्कस किया था चौथे अध्याय की लास्ट में कि दूसरे लोग संशय डालते हैं, हमारे मन में संशय उठते हैं, फिलोसफिकल डाउट आ गए हमारे मन में, जैसे वो ऋतिक वालों का कुछ आया, लेटर आया, कुछ आर्टिकल आया, वो हमने पढ़ लिया, या यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे चैनल हैं कि एक्सपोजिंग इस्कॉन, अभी हम सर्च कर रहे थे वो आ गया और हमने उसको देख लिया, और उसमें क्या बताते हैं, देखो गीता जो है ना उसमें दूसरे अध्याय में भक्ति योग लिखा है, पांचवें अध्याय में भक्ति योग लिखा है, छठे अध्याय में भक्ति योग लिखा है, भक्ति योग तो नौवें अध्याय में आता है, अठारहवें के लास्ट में आता है, तो ये कैसे यथारूप हुई, और उनके दो दो तीन तीन घंटे कैसे हैं, वो इसी में बताते हैं, ये भगवद्गीता एज इट इज़ होती है, पेंसिल से निशान होते हैं उनके और बताते हैं। तो ऐसे हमने कोई वीडियो देख लिया, कोई ऋत्विक का देख लिया, एक्सपोजिंग स्कॉन देख लिया, तो बस मन में आ गया, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होता है ना। इसीलिए जब तक हम भक्ति में थोड़ा सा एक परिपक्व अवस्था तक नहीं आए, जब तक हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं आया सही क्या गलत क्या है, तब तक जो भी हम लेक्चर सुन रहे हैं वो भी हम पूछें किन के लेक्चर सुनना है, किन के नहीं सुनना है, कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना है। जैसे हम कई बार होता है मायापुर जाते हैं या वृंदावन जाते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े बुक स्टॉल्स होते हैं, है ना, वहाँ बहुत सारी अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं, है ना, बहुत हाई फिलोसफिकल बुक्स होंगी, है ना, संदर्भ, है ना, कुछ राधा कृष्ण की इंटीमेट लीलाओं के ऊपर बुक्स होंगे, तो हमें लगेगा ये तो बहुत अच्छी बुक है, ये तो हम पढ़ लेते हैं, अब हम स्टॉल से लेके आते हैं, पढ़ना चालू करते हैं और फिर आउट, या तो हमारे अंदर ऐसे फिलॉसफी को पढ़ के डाउट आ जाता है, ऐसी लीलाओं को पढ़ के मन में काम इच्छा आ जाती है, यह हमको लगता है कि मैं ज़्यादा अधिक ज्ञान चाहता हूँ, बाकी सब तो बेसिक जानते हैं, ऐसा आता है। इसीलिए बुक्स लेक्चर्स जो हम पढ़ रहे हैं, जब तक एक हम ऐसे स्तर पर नहीं पहुँचे जहाँ तक हम अपने हिसाब से डिस्क्रिमिनेट कर सकें, इसीलिए हमें ये पूछ के करना चाहिए। और ऐसे कई ऐसे डाउट्स हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर वैष्णव अपराध के कारण भी हमारा पतन हो सकता है। तो वो तो बता, बहुत 5-6 तरह के वैष्णव अपराध होते हैं, द्वेष करना, निंदा करना, द्वेष से निंदा करना, हंती निंदंती द्वेष्टि नाभि नंदंती ना हृष्यते दर्शनम क्रुध्यते दर्शनेत। हाँ, तो पिटाई एक दूसरे की मारपीट हो गई वैष्णवों की हो जाती है ना, या
निंदा निंदा में सबको बहुत टेस्ट आता है ना, निंदा जैसे सुनते हैं तो कान पूरे उसका जो रेडार होता है एकदम सारे सिग्नल चालू कर देता है। किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात चल रही है तो बहुत आनंद आता है, इसीलिए निंदा से हमें बचना चाहिए। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, एक ऐसा निंदा है जिसमें हम दूसरे की भलाई चाहते हैं, या हम डिस्कस कर रहे हैं आपस में इसीलिए कि उससे कुछ लेसन सीखने के लिए, ना कि उस व्यक्ति को हम नीचे दिखाने के लिए, या फिर हम दूसरों को इंस्ट्रक्शन दे सकें इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो निंदा करना गलत नहीं है, अगर द्वेष के साथ निंदा करते हैं तो फिर किसी में बदल जाता है वैष्णव अपराध। द्वेष है, जलसी है किसी से, किसी की आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, हम तो कई सालों से सेवा कर रहे हैं और कोई नया भक्त आया और वो अच्छी प्रगति कर रहा है और उसको देख कर अभी अभी आए हैं, 6 महीने हुए हैं, 1 साल हुआ है और हम तो इतने समय से आ रहे हैं, तो वो उनका उत्कर्ष, उनकी जो प्रसन्नता है वो सहन नहीं हो पा रही। फिर क्या था चौथा, नाभिनंदनती, वैष्णव को देख के अभिवादन नहीं करना है ना, और क्रोध करना है ना, इन सब में कॉमन है द्वेष। कभी कभी मीटिंग होती तब भी क्रोध तो कर ही देते हैं एक दूसरे के ऊपर है ना, और अंतिम में क्या है, देख के हर्षित ना होना, वैष्णवों को देख के हर्षित ना होना। तो ये 6 तरीके क्या होते हैं वैष्णव अपराध। जाति बुद्धि रखना वैष्णव पर है ना, कि ये तो वेस्टर्न वैष्णव है, ये इंडियन वैष्णव है, हम तो क्या है जो इंडिया से हैं उन्हीं से दीक्षा लेते हैं। वेस्टर्नर लोग गुरु कैसे हो सकते हैं, इंग्लैंड में जन्म हुआ, अमेरिका में जन्म हुआ और गुरु बन गए हैं, उनसे कैसे दीक्षा ले सकते हैं, वो तो कैसे गुरु बन सकते हैं, बहुत बहुत भयंकर वैष्णव अपराध है। तो ऐसा क्योंकि जब जैसे जो सिद्धांत होता है उसकी कोई उसकी बहुत गहराई है, इसलिए अब सिद्धांतों की बहुत गहराई है, लोगों के मन में क्या क्या आ सकता है कुछ हम बोल ही नहीं सकते। लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो वेस्टर्न वैष्णव है वो गुरु नहीं बन सकते, सोचे प्रभुपाद जी ने खुद उनको बना के गए हैं, मतलब खुद स्थापित करके गए हैं, और केवा विप्र केवा नासी शूद्र कौन नहीं, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु, और आप बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्न है वो गुरु नहीं हो सकते, हम उनसे दीक्षा नहीं लेंगे। तो ऐसे वैष्णव अपराध, जाति बुद्धि होना, या ये पढ़ा लिखा वैष्णव है, ये तो अनपढ़ वैष्णव है ना, ये तो डॉक्टर वैष्णव है, ये तो इंजीनियर वैष्णव है ना, ये तो अनपढ़ है ना, तो ऐसे उपाधियों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना है ना, तो ये अच्छा नहीं है, वैष्णव अपराध। फिर ऑथोरिटी से डिस्कस नहीं करना, अभी हम डिस्कस करण कृष्ण के साथ डिस्कस कर रहे थे ये टॉपिक, पतन के कारण क्या है, तो बता रहे थे कि मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि किसी के जीवन में कोई समस्या आती है तो वो इनिशियल स्टेज में डिस्कस नहीं करता, जब समस्या इतनी बढ़ जाती है कि बस भक्ति से निकलने वाला है तब सबकी नज़र में आता है, ऐसा हो गया, और फिर उनको भक्ति में लाने वाला कोई रहता ही नहीं फिर, क्योंकि इतना तेज माया का प्रहार होता है कि वो बाहर ही निकल जाता है। इसीलिए कोई भी जब समस्या है, कोई भी ऐसे है, तो उसको आप चर्चा कीजिए, उसको डिस्कस कीजिए, उसको बना के मत रखिए, क्योंकि बना के रखेंगे तो मन पे विश्वास करेंगे, बुद्धि के ऊपर विश्वास करेंगे, और धीरे 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 दिन एक दिन ऐसा होगा कि हम पूरी तरह से निकल जाएंगे, है ना। तो और ये जो भी पतन होता है वो एक दिन में नहीं होता है, वो ऐसा नहीं कि रात में सोए थे 16 मारा करके सोए और सुबह पतन हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये पतन कैसा होता है, धीरे 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 धीरे, अब क्या होता है वो सनई सनई भगवान बता रहे थे ना, सनई सनई। तो इसीलिए हमें जो हमारे ऑथोरिटी है, जिन पे हमारा फेथ है, बेसिकली फेथ होना चाहिए, फेथ है तभी तो हम डिस्कस कर पाएंगे। ऑथोरिटी तो हमने स्वीकार कर लिया लेकिन फेथ नहीं है तो कैसे फिर हम डिस्कस कर पाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, गुह्यम आख्याति पृच्छति है ना, कॉन्फिडेंस से चीज़ों को डिस्कस करना, कॉन्फिडेंस से चीज़ों को सुनना है ना। और एक प्रॉब्लम है पुअर हेल्थ अच्छा नहीं है, तो अभी कोई भक्ति की ऐसी अवस्था में पहुंच गया है कि हेल्थ अच्छा हो नहीं हो कुछ भी हो जाए हम तो भक्ति करते रहेंगे तो बहुत अच्छा। कोई हरिदास ठाकुर स्तर पर पहुंच गया है कि उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ आपको, बीमारी क्या है, तो बोलते मेरा जब पूरा नहीं हो पा रहा, ये मेरी बीमारी है।
चैतन्य महाप्रभु बोला कि अरे आप तो 192 वाला करते हैं रोज, आप कम कर दीजिए। तो हम में से तो कोई ऐसे स्तर पर नहीं है, ठीक है। तो अगर हेल्थ लंबे समय तक ठीक नहीं है तो इसीलिए उससे भी होता है कि जब हेल्थ ठीक नहीं होती तो मन में क्या होता है, फिर वो मन निराश हो रहा है, हताश हो रहा है, डिजायर्स आ रहे हैं, फिर भक्ति पर डाउट आ रहा है कि मैं तो इतना सेवा कर रहा हूँ और इतना सेवा मैंने किया, मैं भगवान मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, और फिर धीरे 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 खराब हेल्थ की वजह से बैक पेन हो गया है ना, नेक पेन हो गया, माइंड पेन हो गया, ऐसे होता है। हेल्थ 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 खराब होती है और उसकी वजह से क्या होता है, फिर लंबे समय तक ऐसा चल रहा है तो फिर नहीं कर पाते। और भी कुछ कारण हो सकते हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं आपने अभी तक जो भी भक्ति में कुछ अनुभव किया कि किस कारण लोग भक्ति से चले जाते हैं, ये कुछ कारण है, लेकिन और क्या कारण होते हैं, जितनी मेरी समझ थी उतना किया डिस्कस। और कोई यस कारण प्रश्न के रूप में स्वतंत्र व्यवहार, तो इस ऑथोरिटी के अंदर में रहकर वो सेवा नहीं कर पाते, अपना वो सरेंडर नहीं कर पाते, तो अगर उसमें अगर वो भक्त को फेथ ही नहीं आ रहा ऑथोरिटी में, या तो वो पहले सपोज किसी और के अंडर में है, बाद में उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया है, या जिसके अंडर में उनका वतन हो गया फिर वो किसी और अथॉरिटी के अंदर में गया, अभी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में अगर फेथ ही नहीं आ रहा, मतलब ये तो फेथ तो हमारे हाथ में नहीं है ना कि हम ऐसे ला देंगे, तो अब इसमें कई क्वेश्चन हो गए कि किसी अथॉरिटी के अंदर अगर रखा गया तो किसने रखा, किन्होंने रखा है, गुरु ने रखा ना, गुरु की अथॉरिटी है ना, तो गुरु ने क्या बोला कि आप इनके अंडर में रखे सेवा करो, तो गुरु पे फेथ है आपको, तो गुरु का अथॉरिटी पे फेथ है कि ये इनके अंडर में रह के वो प्रगति कर पाएंगे, तो गुरु के फेथ पर इनके अंडर में तो रह सकते हैं फिर, है ना। वो एक जैसे हम बोलते हैं ना, मैं और भगवान, मैं और मेरे गुरु और बीच में कोई नहीं चाहिए, ये दोनों में कनिष्ठ मानसिकता है। भगवान अकेले नहीं होते, भगवान के साथ बहुत सारे लोग होते हैं, उसी तरह गुरु के अकेले नहीं है, गुरु के प्रतिनिधि हैं या गुरु जिनको एम्पावर कर रहे हैं वो हैं, तो एक तरह से वो गुरु के एक्सटेंशन है, जैसे पुत्र है पिता का क्या है, एक्सटेंशन है, तो शिष्य क्या है, गुरु के एक तरह से एक्सटेंशन है। और गुरु कुछ लोगों को नियुक्त करेंगे, तो गुरु की अथॉरिटी पे, गुरु पे फेथ रखते हुए जो पर्टिकुलर अथॉरिटी के अंदर रखा गया है उनके अंदर में हम सेवा कर सकते हैं। और अगर अधिक ही समस्या आ रही है, हमने टेस्ट कर लिया, ट्राई कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा है, तो गुरु से डिस्कस करें, वो रास्ता तो हमेशा खुला हुआ है, किसी एक पे तो हमें फेथ रखना पड़ेगा ना। तो गुरु के फेथ पे हम इन पे फेथ रख रहे हैं, गुरु की फेथ पे हम इन पे फेथ रख रहे हैं, फिर समय के साथ धीरे धीरे संबंध बनेगा और फेथ बनेगी फिर। तो सेवा उत्साह के लिए संबंध भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, जितना हम अथॉरिटी से थोड़ा संबंध हो, केवल गुरु के फेथ की वजह से सेवा करना, वो एक फॉर्मल फॉर्मल नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं फॉर्मल नहीं, हम अभी इसने उन्नत स्तर पे नहीं है कि गुरु के कहने पे, इसीलिए हमें वो आवश्यकता पड़ रही है कि फेथ नहीं, इतना तो फेथ है ना कि गुरु ने, गुरु के ऊपर तो फेथ है ना, तो गुरु ने हमें कैंडल में रखा है, तो बस उत्साह आना चाहिए फिर। संबंध तो समय के साथ फिर धीरे धीरे बनेगा, और अच्छे से सेवा कर पाएंगे, तुरंत तो नहीं बनेगा समय। और कोई कैसे पतन होता है, कोई आपका कोई व्यवहारिक अनुभव? किसी का प्रश्न इसमें? Sometimes we think why to give unnecessary burden to him. Unnecessary? Burden. हाँ. कि अच्छा ये तो सेवा है, इसको मैं खुद से लिख लेता हूँ, तो फिर ये अनावश्यक रूप से कुछ नहीं किया उसे। Already उनके ऊपर इतना burden है, मैं उनको और burden नहीं किया। तो फिर उस समय वो क्या है, वो मन ऐसा कह रहा है या फिर वो genuine है? Independent behavior का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो थोड़ा कॉमन सेंस की हैं, जहाँ आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, है ना। जैसे कुछ इस तरह से सेवाएं हैं
जहाँ ऐसा नहीं कि आपको अथॉरिटी से या जिनकी वो फेथ है उनसे पूछ के ही आप करेंगे, वो एक कॉमन सेंस, एक आपका उनका इतना अच्छा ट्यूनिंग हो गया है कि अगर आप उनसे नहीं पूछते हैं और अपने आप करते हैं उनके मनोभिष्ट को जान के, उनके मन की इच्छा को जान के, तो वो स्वतंत्र व्यवहार नहीं कहलाएगा। हाँ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ज़रूरत नहीं है कि हम पूछें। मान लीजिए अभी बुक्स रैक में सेट करना है, प्रॉपरली जमाना है, तो अब ऐसा नहीं बोलेंगे प्रभु जी हाँ बिग बुक होना चाहिए, फिर मीडियम बुक होना चाहिए, कि पहले महाबिक आना चाहिए। वो एक कॉमन सेंस से भी, मतलब मन में हमारी एक इच्छा होना चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी ना रखूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने कॉमन सेंस से करना चाहिए, है ना। पूजा लगा प्रतिष्ठा को नहीं, अगर कोई सम्मान दे रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, और उस सम्मान को हम ये समझ रहे हैं कि मुझे सम्मान मिल रहा है, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे सम्मान मिल रहा है वो वैष्णव की कृपा से और गुरु के कारण मिल रहा है, तो अल्टीमेटली सम्मान के योग्य कौन है, हमारे गुरु। तो उनको हमें सम्मान ट्रांसफ़र करना, ट्रांसपेरेंट मीडियम, और हम सोच रहे हैं कि हाँ मुझे पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, और मुझे नहीं मिला तो अपने आप ऑफेंडेड फील कर रहे हैं, ओ मुझे ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसा। फैमिली अटैचमेंट, मतलब जो भौतिक स्तर पर आ सकती है, अगर भौतिक रूप से आ सकती है फैमिली अटैचमेंट है, तो वो भी एक बाधा बनती है। एक जो हमारा जो हमने डिस्कस किया था ना, वो कि जो भक्त हैं उनके साथ हमारा वास्तविक संबंध है, और जो अभक्त हैं लेकिन हमारे संबंधी हैं, तो उनके साथ एक औपचारिक संबंध होता है, एक ऊपर ऊपर से संबंध हमारा, जिससे एक सोशल सिस्टम सही तरह से चलता रहा। ऐसा नहीं कि हम रिवॉल्व कर रहे हैं एकदम, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ हमारे भक्ति के प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं कि बोल रहे हैं तुमको चाय पीना पड़ेगा, तो उस समय हम नहीं होंगे हाँ चलो पी लेते हैं, उस समय थोड़ा सा फिर हमें विरोध करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ वो ऐसी चीज़ बोल रहे हैं कि ठीक है यहाँ से सुना वहाँ से निकाला, बात खत्म की, तो डिवोशनल प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना पारिवारिक जो आसक्ति है उसको खत्म करके एक बस एक औपचारिक संबंध रखना, मुश्किल है, करना मुश्किल है, लेकिन संभव है। और नहीं, वो श्रेष्ठता की भावना नहीं, अल्टीमेटली सब सर्वेंट है, वो हमें सेवा दी गई है दूसरों को गाइड करने की, वो हमें सेवा दी गई है कि दूसरों को सेवा में लगाने के लिए, वो हमें सेवा दी गई है दूसरों की साधना पूछने के लिए, वो हमारी सेवा है। अगर श्रेष्ठ होकर हम ऐसे सोचेंगे तो फिर जब वो हमें किसी से क्या बोलते सम्मान नहीं मिलेगा या कुछ समस्या हो जाएगी, तो फिर हमारे अंदर वो क्या बोलते हैं उस रोल को हम सही से निभा नहीं पाएंगे। इसीलिए गुरु शिष्य जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बताते हैं, शिष्य उनको गुरु की तरह देखते हैं, लेकिन गुरु अपने आप को शिष्य की तरह देखता है, अपने गुरु के शिष्य की तरह देखता है, तो उसमें श्रेष्ठता की भावना नहीं होती इस तरह से। दास दास अनुदास, गोपीर भरतो कम पद कमले हो दास दास अनुदास, ये भावना होना चाहिए कि मैं मेरी सेवा है दूसरों को गाइड करना, मेरी सेवा है दूसरों को सेवा में लगाना। मान लीजिए कहीं बड़ा कुकिंग चल रहा है, तो कुछ फायर पर हैं, कुछ लोग कटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग क्लीनिंग कर रहे हैं, और कोई वहाँ पे इंचार्ज जैसे हैं, तीन चार इंचार्ज हैं, कोई बर्तन क्लीन करवा रहा है, है ना, कोई सब्जी कटिंग करवा रहा है, कोई फायर पर वर्क करा रहा है, तो सब अंदर से क्या है, सेवक है। अगर ये भावना चली गई तो डेंजर जोन में चले गए फिर हम।
किससे उड़ जाता है और कोई और भी तो होंगे, और भी तो भक्त हैं, उनके अंदर में रह सकते हैं ना, लेकिन वही सब एक के अंदर है जो मतलब सबसे हायर यूज करता है वही हाँ। तो और समकक्ष वैष्णव होंगे ना हाँ। उस समय कॉन्टेम्परेरी समकालीन और भी वैष्णव होंगे ना उनके अंदर में रह सकते हैं लेकिन उनको अथॉरिटी दी नहीं है तो कि आप इन सबको हैंडल करो और मतलब चलो ठीक है ये मतलब तो किसी एक के ऊपर तो और फेथ होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि बस वो चले गए उसके अलावा फिर तो कोई है ही नहीं जिनके हम जाके हम उनके पास जा सकते हैं कि मैं आपसे गाइडेंस लेना चाहता हूँ, मैं आपके अंडर में रहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है ना। उनके समकक्ष तो होंगे ना बहुत सारे, तो उनसे ले सकते हैं हम गाइडेंस। परंपरा का प्रिंसिपल तो हमेशा चलता रहेगा। ओके अभी हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 40। श्री भगवान उवाच। अभी क्या होता है भगवान उत्तर दे रहे हैं कि ऐसे आयति है ना श्रद्धेयोपेते हे प्रथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में ना परलोक में ही विनाश होता है। देखिए भगवान ने ना इधर विनाश होगा ना परलोक में विनाश होगा, है ना मोटिवेशनल स्पीच दी है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है ना, तो हाँ ना तो इस संसार में ना आध्यात्मिक जगत में उसका कोई पतन होता। तो प्रभुपाद जी बताते हैं त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणां भुजं हरे भजन अपक्वोत पते ततो यदि, है ना कि अगर किसी ने अपने सारे भौतिक कर्तव्य अच्छे से किए लेकिन भक्ति नहीं किया तो कोई लाभ नहीं। अगर उसने भौतिक कर्तव्यों को छोड़ दिया और आध्यात्मिक कर्तव्य किए और उसमें उसका पतन हो गया तो उसकी कोई हानि नहीं, क्योंकि आपने सारे भौतिक कर्तव्य कर लिए अगले जीवन में क्या होगा वहीं से स्टार्ट होगा फिर, है ना। या आपने पुण्य किया होगा तो पुण्य ऊपर जाएंगे, पाप किए होंगे तो नीचे जाएंगे, और नियत कर्तव्य किए हैं तो उसके अनुसार फल मिलेगा, है ना। लेकिन भक्ति नहीं किया तो अल्टीमेटली आप उधर ही घूम रहे हैं, है ना। जैसे मैंने उदाहरण बताया था कि किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई किया, डिग्री ली है, किसी का बहुत समृद्धि है ना, किसी का नाम है, कोई CM रह चुका है, कोई PM रह चुका है, कोई मंत्री रह चुका है, अगला जब जन्म होगा तो ना तो वो डिग्री के साथ पैदा होगा, है ना किसी नाम के साथ पैदा होगा, है ना ना कोई सी क्वालिफिकेशन होगी, लेकिन उसने जो भक्ति की है उसके साथ वो आगे जाएगा, है ना। इसीलिए अर्जुन भगवान बता रहे हैं कि इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक चीज़ भगवान और लेके आ रहे हैं कि अगर किसी ने भक्ति किया है ना और नियत कर्तव्यों को छोड़ दिया, ठीक है, और भक्ति से उसका पतन हो गया तो भी समस्या नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नियत कर्तव्यों को छोड़ने के कारण उसको पाप लगेगा, ठीक है, उसने नियत कर्तव्य छोड़ दिए और पाप का भागीदारी हो गया क्योंकि भक्ति पूर्ण नहीं हो पाई। लेकिन जो भी उसने भक्ति किया तो भी उसको नुकसान नहीं है अगर उसको पाप लग रहा है, क्योंकि चाहे उसको पुण्य मिलता है या पाप मिलता है बात तो एक ही है, लेकिन उसने जो भक्ति किया वो उसका क्या हो गया, एसेट हो गया, वो उसकी इटर्नल एक संपत्ति हो गई। तो ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है, अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। देखिए पाप लगेगा। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं है। तो भक्ति करना कोई घाटे का सौदा नहीं है, फायदा ही फायदा है, है ना, विन विन, क्योंकि शुभ कृष्ण भावना में कभी विस्मृत नहीं होता। तो भगवान ने ये गारंटी दे दी। अभी इसमें एक शब्द आ रहा है, ना ही कल्याण कृत
कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो ये एक दूसरा चार्ट देखिए यहाँ पर, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ही बनाया है। तो इसमें बताया है कि ना ही कल्याण कृत कश्चित, कल्याण कृत मतलब शुभ कार्य में लगा हुआ, तो शुभ कार्य किसे बोलेंगे? तो मानवता है जो ह्यूमैनिटी है उसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक है अनरेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड, क्या है अन नॉन रेगुलेटेड। तो नॉन रेगुलेटेड मतलब अधार्मिक लोग और रेगुलेटेड मतलब धार्मिक लोग। तो अनरेगुलेटेड में कौन आएंगे? जो सिविलाइज हैं, नॉन सिविलाइज हैं, एजुकेटेड हैं, नॉन एजुकेटेड हैं, बलवान हैं, कमजोर हैं, ये सब इसमें आएंगे। और फिर धार्मिक लोग, धार्मिक लोग में दो कैटेगरीज आएंगी, एक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा चाहते हैं और एक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त है। तो जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा चाहते हैं धर्म के अनुसार उनको क्या बोलते हैं बताइए? कर्मकांड। तो कर्मकांड ठीक है। और जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त हैं वो दो तरह के लोग हैं। तो इसको इसको याद करने का तरीका क्या है? 2-2-2, अनरेगुलेटेड रेगुलेटेड, उसमें दो है रेगुलेटेड में, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है कर्मकांड, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त है। और इसके दो, जो एक मुक्ति के लिए रास्ते पर चल रहे हैं और एक भक्ति के रास्ते पर। तो भगवान किसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर? ना ही कल्याण कृत कश्चित, किसका वर्णन कर रहे हैं? 1-2-3-4 कैटेगरीज में किसका वर्णन कर रहे हैं? चार कैटेगरीज हो गई ना, एक अधार्मिक लोग हो गए, एक कर्मकांडी लोग हो गए और दो नीचे आ गए। तो किसका वर्णन है? इंद्रिय तृप्ति की और कोई आंसर? कल्याण कृत किस कौन कर ऑस्पिशियस रास्ते पे कौन है? भक्त और जो मुक्ति की रास्ते पर है, ये दोनों है। क्योंकि ये जो मुक्ति की इच्छा है वो किसमें, वो कौन है? ज्ञान योगी और ध्यान योगी। और ये कौन है? भक्त। तो ये श्लोक किसके लिए लागू है? तीनों के लिए, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी। ओके, अभी भगवान बता रहे हैं इसमें, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा है। अभी संसार में अधिकतर लोग किस कैटेगरी में आते हैं चार में से? ये अधार्मिक लोग, धर्म की समझ ही नहीं है ना, धर्म जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता उनके लिए। शिक्षित हो सकते हैं, शिक्षित अधार्मिक है ना, मास का एक लेक्चर, एजुकेटेड फूल्स। तो ऐसे ही अधार्मिक लोग हैं जो आहार निद्रा भाई मैथुन में लगे हुए। ओके, श्लोक क्रमांक 41। अभी दो तरह के लोग हैं जिनका पतन हुआ है, जिन्होंने बहुत समय तक भक्ति किया और पतन हो गया, जिन्होंने थोड़ा भक्ति किया और पतन हो गया। तो जिन्होंने लंबे समय तक भक्ति किया उनकी गति अलग होगी, जिन्होंने थोड़ा भक्ति किया और चित हो गए उससे उनकी अलग। तो पहला श्लोक किस पे? 41 नंबर, जिन्होंने कुछ समय भक्ति किया और फिर उनका पतन हो गया। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान ईशुत्वा शाश्वती समा सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जाए थे। तो इसमें शब्द आया है योगो भ्रष्ट, योग भ्रष्ट हो गए। योग भ्रष्ट मतलब योग के रास्ते पर वो पतन हो गया उनका, ठीक है। तो क्या होगा उनका? पहले वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे, काफी लंबे समय तक स्वर्ग में भोग करेंगे। और वहां से आने के बाद कहाँ पर आएंगे? सुचिनाम श्रीमता के, पढ़ लेते हैं। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवान कुल में जन्म लेता है। देखिए दो गति होगी उसकी, सदाचारी पुरुष किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा या धनवान कुल में जन्म होगा। तो चाहे वो सदाचारी ब्राह्मण कुल में है या धनवान कुल में, ऐसा क्यों है? धनवान कुल में है तो उसको जीविकोपार्जन के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वो भक्ति में अपना टाइम दे सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, है ना। और सदाचारी ब्राह्मण, उसमें भी जन्म से संस्कार मिलेंगे,
है ना, जन्म से उस तरह का कल्चर होगा, उस तरह का माहौल होगा जिससे वो आगे चल के भक्त बन सकता है ना। तो ओके, प्रभुपाद जी का लेक्चर है यहाँ पर। प्रभुपाद जी बता रहे हैं शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायत। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि योगो भ्रष्ट, अगर अब यहाँ कि आप सब यंग अमेरिकन बॉयज़ एंड गर्ल्स आप सब यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ छोड़ के आप भक्ति कर रहे हैं, अगर आप किसी तरह से इस रास्ते से गिर जाते हैं तो भी कोई हानि नहीं है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो, लेकिन मेरा कर्तव्य, इट इज़ माई ड्यूटी बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड मी एज योर स्पिरिचुअल मास्टर, तो लेकिन मेरा एक कर्तव्य है क्योंकि आपने मुझे आध्यात्मिक गुरु के द्वारा के रूप में स्वीकार किया। सो आई एम रिपीटिंग माई स्पिरिचुअल मास्टर ऑर्डर दैट डोंट वेट फॉर अनदर लाइफ। तो इसीलिए मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देश को दोहरा रहा हूँ कि दूसरे जीवन के लिए इंतजार मत करो। अब ये श्लोक सुन के नहीं कि अब तो त्रायतो महतो भयात, अगला तो मनुष्य जीवन मिलने वाला है ना। That is a very risky another life, बहुत रिस्क हो सकती है ना। ओके, फिर अगला श्लोक क्रमांक 42, इसमें किन के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने लंबे समय तक भक्ति किया और उनका पतन हो गया। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम। देखिए इसमें क्या है, धीमताम। एतद् धी दुर्लभम तरम लोके जन्म यदि दृश्यम, अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो वो किस में जन्म लेते हैं, भक्तों के घर में जन्म लेते हैं, आचार्य गोस्वामी फैमिलीज, गोस्वामी मतलब टाइटल गोस्वामी नहीं जो वास्तव में गोस्वामी है, और आचार्य फैमिलीज में लेते हैं, है ना, भक्तों के परिवार में जन्म लेते हैं, क्योंकि जन्म से ही हरे कृष्ण महामंत्र बोलना, जन्म से ही केवल प्रसाद लेना, जन्म से ही कीर्तन करना, जन्म से ही भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित होना, ये कोई साधारण बात नहीं है ना, ये कोई ये जन्म क्या होता है, बहुत दुर्लभ होता है। एतद् धि दुर्लभम तरम लोके जन्म यदि दृश्यम, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म क्या है, दुर्लभ है ना। तो ओके, यहाँ तात्पर्य को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है ना। तो ऐसे जो बालक होते हैं उनको प्रारंभ से ही क्या होता है, इनकरेजमेंट भक्ति के लिए दिया जाता है। विशेषतः आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है, ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं, है ना, इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं किंतु अब वे पर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। ऐसे लीनेज होती थी, है ना, भक्तों के परिवार में भक्त, ऐसे ऐसे हम देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर, तो उनके पिता का नाम क्या था, कृष्णदेवराय, कृष्णानंद दत्त, तो वो भी भगवान के भक्त थे, उनके घर में नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं, है ना, जगन्नाथ मिश्र, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे प्रभुपाद जी स्वयं का उदाहरण देंगे यहाँ पर, हाँ, तपन मिश्र और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और फिर साउथ इंडिया में कौन थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके पिता वेंकट भट्ट, तो वेंकट भट्ट श्री वैष्णव, है ना, और उनके पुत्र रघुनाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी। यस, भगवत कृपा से अब भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रशय मिलता है। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उस परिवार में योगी आते हैं भगवत, हाँ, ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को और स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी इससे ये नहीं समझना है कि उनकी आध्यात्मिक कुछ रुका हुआ था, प्रभुपाद अपना कुछ कंप्लीट करने आए थे, या भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर अपना जन्म अपना जो प्रगति कंप्लीट करने आए थे, है ना। वो बता रहे हैं कि मतलब अब देखिए प्रभुपाद खुद स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं,
हम दोनों बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। तो यहाँ इंग्लिश में लिखा है, बोथ ऑफ अस वेर ट्रेन इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ्स। शुरुआत से ही हमको प्रशिक्षण मिला। लेटर ऑन वी मेट बाई द ऑर्डर ऑफ द ट्रांसेंडेंटल सिस्टम, कि हम दिव्य होता है ना ऊपर से, ट्रांसेंडेंटल सिस्टम, भगवान का कोई सिस्टम है, उसकी वजह से मैं अपने गुरु महाराज से मिला। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी, एक बार प्रभुपाद जी ने कहा था अपने कन्वर्सेशन, ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ कि कभी मैं कृष्ण को भूला हूँ। एक रिपोर्टर थी प्रभुपाद जी के पास आते कि कब आप सेल्फ रियलाइज कब हुए, आप बार बार पूछ रही थी कब रियलाइज सेल्फ रियलाइज कब सेल्फ रियलाइजेशन कब हुआ आपको, तो प्रभुपाद बोलते जब मैं 5 साल का था। चुप, अभी कोई डिस्कशन नहीं। तो और प्रभुपाद जी अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में बताते हैं मेमोरीज में, कि पिछले जन्म में क्या था, डॉक्टर था, है ना, और मेरा बहुत ही शुद्ध जीवन था, और क्योंकि मेरा बहुत शुद्ध जीवन था इसी कारण मैं ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ, और इसी कारण मैं अपने गुरु से मिला, है ना। तो ऐसे तो, पास्ट लाइफ पहले पूर्व जन्म प्रभुपाद, ऐसा एक प्रभुपाद जी की मेमोरीज हम बता रहे हैं। नहीं देखिए, फिर वही ट्रांसेंडेंटल, आप प्राकृत वस्तु ना हो प्राकृत गोचर, ये वैसे हो गया कि डीटी का साइज जो 2 फीट की डीटी है वो इतनी सुंदर नहीं, जो 6 फीट की डीटी है बहुत सुंदर, ये वैसे ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के पिछले जन्म में क्या थे प्रभुपाद, हम ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि जो प्रभुपाद कहने का मतलब क्या है कि ऐसे परिवार में जन्म लेना और आध्यात्मिक गुरु से मिलना, ये कोई बाई चांस नहीं है। ऐसा नहीं कि बस बाई चांस टकरा गए, बस ट्रांसेंडेंटल सिस्टम लिख रहे हैं ना प्रभुपाद कितना स्पष्ट, लेटर ऑन वी मेट बाई द ऑर्डर ऑफ द ट्रांसेंडेंटल सिस्टम, कुछ ऊपर से हम दोनों को मिला दिया है ना। तो इसीलिए महाराज ने इस श्लोक के ऊपर अभ्यास पूजा लेक्चर दिया था। महाराज उसमें बता रहे थे कि जैसे मुस्लिम है, तो जो मुस्लिम है उनका पॉपुलेशन कैसे बढ़ा है, मुस्लिम का मुस्लिम की संख्या कैसे अधिक है पूरा हर जगह, और कोई संतान, उनकी संतान अधिक होती है, अधिक संतान है जिससे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही। तो इसीलिए महाराज लेक्चर में बता रहे थे कि ऐसे स्वर्ग में और उच्च लोगों में बहुत सारे योगी हैं जो वेट कर रहे हैं पृथ्वी लोक में आने के लिए, इसीलिए जो भक्त हैं उनको भी संतान उत्पत्ति के द्वारा उन योगियों को अवसर देना चाहिए कि जिससे वो इस पृथ्वी पर आकर अपनी जो भक्ति है उसको पूरा कर सकें। तो ये गृहस्थ भक्त इस तरह से प्रीचिंग कर सकते हैं, जो गृहस्थ भक्त हैं वो इस तरह से, जो विशुद्ध आत्मा है परम पवित्र आत्मा है वो कैसे पृथ्वी लोक पर आए और उनकी जो बाकी थोड़ी जो भक्ति बची है वो कैसे पूर्ण हो, इस तरह से वो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, है ना। और जो बच्चे इस तरह से उनको अवसर मिला है, तो गोकुल चंद को बता रहे थे कि जैसे वहाँ गुरुकुल है, तो बहुत पहले का लेक्चर उसमें बता, ये बच्चे होते हैं खेल खेल में सीख जाते हैं। तो बता रहे थे कि मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और एक बच्चा स्नान करने जा रहा है और ज़ोर ज़ोर से भगवद गीता के श्लोक पढ़ रहा है ना, स्नान कर रहा है तो भगवद गीता के श्लोक बोल रहा है ना, कपड़े धो रहा है तो भगवद गीता के श्लोक बोल रहा है, और वहाँ कोई नहीं है, ऐसा नहीं कि सुना रहा है किसी, बोल रहा है किसी को सुनाने के लिए, स्पॉन्टेनियसली हाथ पैर चलते हैं, स्पॉन्टेनियसली बोलता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को हमें इतना अच्छा अवसर देना चाहिए कि बस इनको जो भी भगवान ने हमको सौंपा है, जो भी इनकी भक्ति बची है और इसको कंप्लीट कराना है, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को पूरा किया तो बस वो, इसीलिए गुरु न सस्यात
पिता न सस्यात, जननी न सस्यात, स्वजनों न सस्यात। किसी को माता पिता गुरु स्वजन नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से ना निकाल सके। तो प्रभुपाद का लेक्चर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखिए हमारे गृहस्थ भक्त हैं, इनका नाम है अत्रेय मुनि प्रभु, उनका बच्चा है 6 साल का, 6 साल है, 6 महीने का, 6 महीने का बच्चा है। एज सून एज आई साउट आउट हरे कृष्णा इमीजिएटली ही विल लाफ। जैसे मैं जोर से हरे कृष्णा बोलता हूँ और बच्चा हंसने लगता है। देयर आर मैनी सच चिल्ड्रन, दे आर वैष्णव सुची नाम सीमताम गे, है ना। तो ये जो योगी, योगी मतलब केवल वो ध्यान योगी नहीं जो भक्ति योगी हैं, और उनका जो शेष बचा है उनके डीप इम्प्रेशन होते हैं, इसीलिए तुरंत किसी के संपर्क में आते हैं, तुरंत कुछ मिलता है और उनकी भक्ति जाग जाती, एकदम तेजी से जागती। देखा हो कई भक्तों के जीवन में आता है, ऐसा कोई प्रीवियस टच नहीं है, कुछ पता नहीं है, और थोड़ा सा पता चला और एक्सप्लोजन हो गया, भक्ति का एक्सप्लोजन हुआ है किसी के। बहुत सारे योगी बैठे होंगे यहाँ पर इनके जीवन में ऐसा होता है ना। फिर क्या करते हैं वो योगी, श्लोक क्रमांक 43। हे गुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, तुरंत उसको याद आता और पूर्ण सफलता के प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति का प्रयास करता है ना। क्योंकि उनकी बात हो रही है जो लंबे समय तक भक्ति किया है ना, तो तुरंत फिर उसको जो चेतना प्राप्त हो जाता, उसको ये पता नहीं चलता कि पिछले जन्म में क्या किया है, लेकिन उसका भगवान की सेवा, भगवान का नाम और जो भी साधना है से उसके प्रति उसका स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है, तुरंत उस चीज़ को वो पकड़ लेता है। तो यहाँ पर उदाहरण किसका आ रहा है, भरत महाराज का। तो भरत महाराज के 3 जन्म थे, पहला जन्म राजा के रूप में, दूसरा हिरण के रूप में और चौथा जड़ भरत, है ना। तो वो ऑलमोस्ट भाव की अवस्था में थे, भाव की अवस्था में पहुंच गए थे, और फिर क्या हो गया, वो हिरण से आसक्त हो गए। तो हिरण को बचाना क्या गलत था, गलत नहीं था, लेकिन हिरण को बचाने के बाद उन्होंने क्या किया कि उसके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए कुछ नहीं सोचा, मटेरियल फैसिलिटी कैसे मिले उसके लिए वो सोच रहे थे। तो धीरे धीरे क्या है, वो उसमें भी कंपैशन में फंस गए, और फिर 3रे जन्म में वो क्या बनते हैं, जड़ भरत। ओके, श्लोक क्रमांक 44। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। देखिए क्या बता रहे इसमें, पूर्वाभ्यास तेने वह हिरियते ही वसोपीसा, अपने आप ही वो आकर्षित हो जाता है, तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे होते हैं कई डिवोटीज कि जाना कुछ सुना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ प्रीवियस कोई, और जैसी कुछ भक्ति के बारे में जाना और तुरंत उनको क्या हो गया, तुरंत उस चीज़ से आकर्षित हो, तो वो साधारण चीज़ नहीं है। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है ना। ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से स्थित होता है, नहीं नहीं तो परे स्थित होता है, अनुष्ठानों से परे स्थित होता है, मतलब वो कर्म कांड उसको आकर्षित नहीं करते हैं, शास्त्रों के जो विधि विधान है जिसमें फ्रूटिव मेंटेलिटी है, जिसमें भोग की इच्छा है, उसको आकर्षित नहीं करता है। इसमें प्रभुपाद जी किसका उदाहरण दे रहे हैं, हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर नामाचार हरिदास ठाकुर है, मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ, यवन परिवार में जन्म हुआ, तो हरिनाम करते थे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी जो वेदों के एक निचले दर्जे के नियम है, कर्म कांड के नियम, वो भक्त उसमें नहीं पड़ता। इसका श्लोक बताइए, यावानार्थ उत्पान संप्लूत होके, कि उसको कर्म कांड के जो अलंकार में भाषा है वो आकर्षित नहीं करती। तो इम्पोर्टेंट क्या है, पूर्वाभ्यास है, उसमें पूर्व में अभ्यास किया है उसमें, है ना। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद हमने तो हमारा जीवन अमेरिका में हुआ, हम तो पूरे मिलेच थे और कोई हमने पार्टी भी नहीं किया कि भारत में जन्म हुआ, तो हम कैसे मूवमेंट में जुड़ गए, हम कैसे सीरियस हो रहे। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने तुमको पार्टी दी, मैंने तुमको स्वीकृति प्रदान की,
तो कभी कभी क्या होता है कि पायटी अगर नहीं है, सुकृति नहीं है, कोई पावरफुल डिवोटी होते हैं उनके कॉन्टेक्ट में आके उनकी जो शक्ति है वो संचारित हो जाती, तो उस जीवन में भी क्या हो जाता है, तुरंत प्रगति हो सकती है। श्लोक क्रमांक 45। और जब योगी समस्त कलमत से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त होता है। इसमें अनेकानेक जन्म क्यों बताया है, क्योंकि अगर वो है सुचिनाम श्रीमताम, जिसने ब्राह्मण परिवार में या धनी परिवार में जन्म लिया, वो अगर फिर ढिलाई बरतता है तो उसको कई जन्म लग जाएंगे। लेकिन जो भक्ति के परिवार में है उसको रिलेटिवली बहुत प्रयास नहीं करना है, प्रयास तो फिर भी करना है, तो अगर वो कम प्रयास करेगा तो कई जन्म लग जाएंगे। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं, सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट रहता है, है ना, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है। इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलम से शुद्ध कर लेता है और समस्त कलम से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कलम से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। तो जब पूरी तरह से वो शुद्ध हो जाता है तो उसको भगवत धाम प्राप्त होता है। तो ये योग भ्रष्ट और योगिनाम धीमताम, ये दो के बारे में। तो धीमताम कौन है, जिन्होंने भक्तों के जन्म में जन्म लिया, और योग भ्रष्ट कौन है, जिन्होंने सदाचारी ब्राह्मण और धनवान परिवार में जन्म लिया। ओके, अब हम देखेंगे श्लोक क्रमांक 46। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो किस योगी की बात हो रही है, अष्टांग योगी, सुना नहीं ना ध्यान से। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। ओके, अच्छा तात्पर्य है, कई चीजें से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। अभी जो भी हमने पढ़ा अभी तक 6 चैप्टर में, वो समराइज होने जा रहा है। योग मतलब लिंकिंग प्रोसेस, परम सत्य के साथ जोड़ना। तो परम सत्य के साथ जो जोड़ने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कर्म के माध्यम से हो सकता है, ज्ञान के माध्यम से हो सकता है, अष्टांग और भक्ति योग के, चारों योगी जो हैं परम सत्य के साथ जुड़े हुए अलग अलग स्तर पर, ठीक है। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं, है ना, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है, ठीक है। सकाम कर्म से कहीं ना कहीं इसमें फ्रूटिव एक्टिविटीज, फ्रूटिव मेंटेलिटी नहीं, फ्रूटिव एक्टिविटीज। फिर जब ये चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, एम्पिरिकल, है ना। जब भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। कोई पूछे कर्मयोग क्या है, इसकी हम और बाद में डेफिनेशन देखेंगे। कर्मयोग मतलब परम सत्य से लिंक होना, किसके माध्यम से, अपने स्वभाव जनित नियत कर्मों के माध्यम से, वो है कर्मयोग, ठीक है। देखिए अभी इसका इसी पैराग्राफ में नीचे से 5वीं लाइन वो मैं पढ़ रहा हूँ। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है, तपस्या किया आत्मज्ञान नहीं है तो वो अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावना के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है ना। तो अगर कोई तपस्वी है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तो व्यर्थ है, अगर उसको ज्ञान है लेकिन सरेंडर नहीं है तो व्यर्थ है, अगर वो कार्य कर रहा है लेकिन कृष्ण भावना से जुड़ा नहीं है तो वेस्ट ऑफ टाइम। अंतिम श्लोक है, और ये श्लोक तो सबको याद ही होना चाहिए, है ना, ये प्रीचिंग में हमारे लिए
इम्पोर्टेंट है, सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजतो यो माम सामे युक्त तमो मता युक्त तमो मता, है ना। योगी नाम अपि सर्वेषां, योगी नाम, योगी नाम मतलब बहुत सारे योगियों में, है ना। तो लोग बोलते हैं ना कि भगवत गीता में तो बहुत सारे रास्ते हैं, कर्मयोग भी है, ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है, हठ योग भी है, भक्ति योग भी। तो प्रभुपाद जी क्यों भक्ति योग को बार बार लेके आ रहे हैं? भगवान खुद ही लेके आए योगी नाम अपि सर्वेषां, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? मत गते, मत गत, मत पर, मत चित, मत, ये सब मत मतलब मत गते अंतरात्मना, है ना। श्रद्धावान भजतो इमाम, जो श्रद्धा पूर्वक फेत रखते हुए मेरा भजन करता, भजन करता मतलब सेवा करता। सामे युक्त तमो मता, वो युक्त तम है, एक युक्त है, एक युक्त तर है और एक युक्त तम है। लिखिए युक्त, युक्त तर और युक्त तम। युक्त कौन है? याद है आपको युक्त की बात हुई थी? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त कितनी बार युक्त आ गया था? जो अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा है वो युक्त है। युक्त तर कौन है? जिसको अष्टांग योग में समाधि मिल गई है, परमात्मा के दर्शन हो गए, वो कौन है? युक्त तर। और युक्त तमो मता, युक्त तम कौन है? टॉप मोस्ट योगी कौन है? भक्ति योगी। तो हम सब टॉप मोस्ट योगी बैठे हुए यहाँ पर। और इसमें शब्द क्या? योगी नाम, योगी नाम मतलब सभी योगियों में, है ना। तो अगर प्रभुपाद जी कर्म योग को भक्ति योग से ट्रांसलेट कर रहे हैं, ज्ञान योग से भक्ति योग पे ला रहे हैं, अष्टांग योग से भक्ति योग पे ला रहे हैं, तो कोई मिस्टेक है? कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि भगवान खुद ही बोल रहे हैं सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? भक्ति योगी। तो इसको बोलते हैं भगवान के हृदय को जानना। तो प्रभुपाद जी भगवान के हृदय को जानते हैं, भगवान की इच्छा को जानते हैं कि सारे छः अध्याय में क्या तीन चीज़ें डिस्कस हुई हैं, कर्म ज्ञान योग, कर्म ज्ञान योग और उनका मिश्रण और भक्ति, बस यही डिस्कशन चल रहा है पूरे छः अध्याय में। और भगवान क्या कंक्लूजन दे रहे हैं? सभी योगियों में भक्ति योग श्रेष्ठ। तो युक्त तमो मता, ठीक है, मद गतेन, मद गते अंतरात्मना। तो इसके तात्पर्य को देखते हैं पहले तो, हाँ। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, पहले क्या है? अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है, परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में श्रेष्ठ है, सर्वोच्च, यही मेरा मत है। सामे युक्त तमो मता, भगवान का मत मतलब क्या है? सबसे सर्वोच्च मत है। ओके, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य प्रारंभ कर रहे हैं दो शब्द से। एक होता है श्रद्धावान भजते, भजन, भजन बोलते हैं भजन, और एक होता है वर्शिप। तो वर्शिप करना और भजन करना, इसमें दोनों में अंतर। जो वर्शिप हम किसकी कर सकते हैं? भगवान की भी कर सकते हैं, देवी देवताओं की भी कर सकते हैं, कोई महान पर्सनैलिटी उनकी भी कर सकते हैं, है ना, उनकी हम वर्शिप करते हैं। लेकिन भजन या रियल सेंस में जो सेवा है वो किसकी हो सकती है? केवल और केवल भगवान की हो सकती है। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप से भाव व्यक्त नहीं होता क्योंकि इसमें पूजा करना, सम्मान दिखाना और योगी का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक सेवा तो भगवान के निमित्त है। तो जो प्रेम और श्रद्धापूर्वक सेवा है, जो भगवान और जो भगवान से संबंधित, बस उन्हीं के लिए है, बाकी के लिए क्या है? वर्शिप, है ना। यहाँ पर एक भागवतम से प्रभुपाद कोट दे रहे हैं, जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। इसमें भी एक शब्द आया है, सेकेंड लाइन देखिए, ना
भजन तत्व अब जानंती, लिखा है ना, भजन तत्व अब जानंती स्थानात भ्रष्टा परंत्यता, है ना, जो भजन नहीं करता, भजन मतलब प्रीति पूर्वक सेवा, श्रद्धा और प्रीति पूर्वक प्रेम से सेवा कर। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो आंसर लिख पाएंगे, भजन और वर्शिप दोनों में क्या अंतर है। अभी आता है योगा लेडर। वर्शिप देवी देवताओं के लिए भी होता है, सामान्य मनुष्यों के लिए भी होता है, कोई ऊंची स्थिति में उनके लिए भी होता है, वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सेवा तो कंपलसरी करनी है भगवान और भगवान से संबंधित लोगों के। ओके, अब ये तात्पर्य पढ़ता हूँ। भक्ति योग समस्त योगियों की परिणति है, सबसे उच्च है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुँचने के साधन मात्र है। तो अन्य योग जो योग है वो गोल नहीं है, वो क्या है, मीन्स है, वो है ना। जैसे एक पिक्चर बना है, वो हिमालय पे चढ़ रहा है, हिमालय पे चढ़ना चालू किया तो अलग अलग क्या आएंगे उसमें, रेंज आएंगे, है ना, अलग अलग शिखर आएंगे। तो ये तो पढ़े होंगे आपने बचपन में, K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, तो ये अलग अलग शिखर आते हैं। तो जो चढ़ रहे हैं तो पहले कर्म योग आया, तो एक इस स्थिति तक पहुँचे, फिर ज्ञान योग आया, फिर ध्यान योग आया, और सबसे जो टॉप मोस्ट है वो क्या है, भक्ति योग। तो कोई एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, तो अगर बीच में कहीं पर है, किसी स्थिति में है, तो वो क्या है, वो गोल नहीं है, वो क्या एक रास्ता है। तो कर्मयोग, ज्ञान योग या ध्यान योग, वो अपने आप में कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, वो केवल एक रास्ता है कहाँ तक पहुँचने के लिए, भक्ति योग तक पहुँचने के लिए। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। अगर कोई बीच में रुक गया मतलब वो कंप्लीट योगी नहीं हुआ। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार होता है। अभी देखिए सबकी परिभाषा देखिए, इसमें निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। देखिए कर्म योग आरंभ है, देखें कर्म, कर्म योग में क्या आया, कर्म। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। देखिए ज्ञान योग क्या है, कर्म और ज्ञान और वैराग्य। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग क्या है, कर्म, ज्ञान, वैराग्य और ध्यान, ठीक है। इस अष्टांग योग को पार करके जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वो भक्ति योग कहलाता है, ठीक है। तो इतना इतना सब डिटेल में डिस्कस करने की क्या जरूरत थी, सीधे भक्ति योग ही बता देते। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, यथार्थ में भक्ति योग ही परम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। तो किस तरह से भक्ति योग परम है और किस तरह से भक्ति योग में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमने इतना सारा डिस्कशन किया। तो भक्ति योग वाला कौन है, जो कार्य भी करता है, भगवान के लिए कार्य कर रहा है, वो ज्ञान भी ले रहा है, उसके अंदर वैराग्य भी है, हर चीज़ ध्यानपूर्वक करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हर चीज़ में क्या है, सेवा भावना है। तो भक्ति योग में सारे एलिमेंट्स है ना। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही कार्य पर, मार्ग पर रहता है। अभी देखिए कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी कौन होते हैं, देखिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, जो एक जगह अटक गया, वह कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, राजयोगी, हठयोगी आदि नामों से पुकारा जाता है। रियल सेंस में योग नहीं है, वो एक जगह क्या हो गया, अटक चुका है। यदि कोई, अभी देखिए इसमें, हाँ, यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया। तो कैसे प्राप्त, कैसे जा सकते हैं, ये तो पहाड़ का उदाहरण है, लिफ्ट। जैसे भक्तों का संग मिला तो क्या हो गया, लिफ्ट में आप बैठ गए, लिफ्ट से उतरना नहीं है, हाँ? लिफ्ट में बैठे रहना।
देखिए, अतः कृष्ण भावनामृत होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट। तो यहां से वो उदाहरण लिया गया। अभी अभी वो योगी क्या करता है, वो भक्ति योगी क्या करेगा, वो देखिए बता रहे। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदस्य मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। तो देखिए यहाँ पहुँचना है हमको, भौतिक आसक्ति से निकलना है, कर्म ज्ञान अष्टांग से निकलते हुए भक्ति योग तक आना है। और भक्ति योग में परफेक्शन क्या है कि भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है उस पर ध्यान लगाना। तो कैसे हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। फिर भक्ति योग कैसे प्राप्त होता है, देखिए श्लोक, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिति अमर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान और गुरु में समान श्रद्धा होती है, परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो भगवद्गीता किनको समझ में आएगी, जिनको गुरु में और भगवान में समान रूप से श्रद्धा होती है। फिर के तो यहाँ पर ये अध्याय 6 प्रारंभ समाप्त होता है। नैष्कर्म का बता रहे हैं यहाँ पर। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में तथा अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म का यही प्रयोजन है। नैष्कर्म और भक्ति को एक समान बता रहे हैं। ओके, तो ये अध्याय 6 समाप्त हुआ। और ये योगा लैडर, योग की सीढ़ी, और ये हिमालय वाला एग्जाम्पल, ये आप याद रखिएगा। तो कोई भी हम कहीं फंस नहीं सकते, कहीं अटक नहीं सकते। या कोई हमको मिलता है ऐसे अलग अलग लोग, तो हमें पता होगा ये किस स्तर की बात कर रहा है और कहाँ पर, और वास्तव में स्तर कहाँ है, इसके नीचे क्या है, उसके बराबर क्या है, तो हम ये जान सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कैसा है? ये तात्पर्य में लिखा हुआ है लास्ट में। नैष्कर्म और भक्ति योग क्या है, वो एक ही है। जो भगवान बता रहे हैं श्रद्धावान भजतो साम्ययुक्त तमो मता, उसी को वो नैष्कर्म बताया है। दूसरी कोट बताइएगा ऐसा, मतलब वो योग की सीढ़ी पे वो काफी नीचे है, ऐसा समझ सकते हैं कि कर्म योगी योग की सीढ़ी के बहुत नीचे है, ज्ञान योगी थोड़ा और नजदीक है, ध्यान योगी और नजदीक है। उसका कोट बताइएगा कैसे, वो अल्टीमेटली जो भक्त नहीं वो रास्कल, अल्टीमेट सेंस में देखा जाए। अभी अलग अलग रास्कल्स की कैटेगरीज हो सकती है, उस दृष्टिकोण से प्रभुपाद बता रहे हैं। यस, नहीं, ये उनके लिए बोल रहे हैं जो शुचि नाम श्रीमताम में, अगर उन्होंने उस जन्म में भी गलती किया तो फिर चांस मिलेगा, फिर चांस मिलेगा उनके लिए। क्या जब तक वो कैसा भक्ति योग भी है इसमें, हाँ ध्यान योग और ज्ञान योगी तो है ही, भक्ति योग भी हो सकते हैं अगर उसको मिसयूज करेंगे। उसमें श्लोक है, ये शाम तो अंधगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, कि जब तक वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है तब तक वो पूर्ण कृष्ण भावना मत में स्थित नहीं होगा। लग सकते हैं, लगेंगे नहीं, ऐसे कैसे लग जाएंगे, तो समझना पड़ेगा। अगर भक्ति योगी सही तरह से भक्ति नहीं कर रहा है तो कई जन्म लग जाएंगे। फिर प्रश्न आया कितने जन्म लगेंगे, फिर आंसर आएगा पांच, पांच ही क्यों लगेंगे। उसको भाषा के पीछे एक स्पिरिट होती है ना, अनेक जन किस में लगेंगे, अगर वो भक्ति योग अच्छी तरह से नहीं कर रहा है, सिंपल, नहीं तो एक जन्म हो सकता है।
तो बता तो दिया ये शाम तो अंतगतम पापन, जब पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा तब तक वो नहीं पहुंचेगा, और शुद्ध होने में कई जन्म लग जाते हैं, चाहे वो ज्ञान योगी हो या ध्यान योगी हो या सुचिनाम सीमताम गए, अगर वो पक्के से कर रहा है, दृढ़ता से कर रहा है, डिटरमाइन होकर कर रहा है, तो एक जन्म में हो सकता है ऐसा। लेकिन धीरे धीरे में बहुत टाइम लग जाएगा, कई जन्म लग जाएंगे, ये प्रोसेस है ही नहीं ना, इनडायरेक्ट प्रोसेस अभी संभव ही नहीं है ना। कितने लोग हैं जो ज्ञान और वैराग्य में जा पाएंगे? नहीं पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन समझ जाते हैं ना सार उसका। हाँ तो भगवत गीता है पूरी भक्ति है, अगर वो सही दिमाग वाला होगा, उसके प्रभुपाद जी के परपट पढ़ के उसकी स्वीकृति बनेगी तो उसके चांस हो जाएंगे ना। अधिक वेद किस लिए बनाए थे, इतने सारे कर्म कांड क्यों बनाए थे, अभी कर्म कांड फिर कर्मयोग फिर इतने जाए, कितना जन्म लगेगा उसको अगर उसको आपने पढ़वा भी लिया। चलो चलो प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट भक्ति योग नहीं देते और आपको पढ़वा लेते बहुत लोगों से, कितने भक्त बनते, कितने भक्त बनते बताइए? अमेरिका में कितने भक्त बनते हैं भगवद्गीता एज इट इज पढ़ के, अगर उसमें डायरेक्ट कृष्ण नामनामत नहीं होता तो? अगर हमने वही प्रोसेस रखते कि इनडायरेक्ट प्रोसेस है, आप धीरे धीरे फॉलो करो, सबके लिए है, और लास्ट में भक्ति योग है तो आप ये फॉलो कीजिए, तो आता कोई भक्ति में? जो इनडायरेक्ट में आते वो ही भक्ति में नहीं आते, जिनके भक्ति में आने के चांस थे वो ही भक्ति में नहीं आते, तो उससे क्या फायदा हुआ? ठीक है, उनको पीछे नहीं वैराग्य नहीं कहलाएगा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त है वो, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं, फिर वैराग्य, फिर वो जब ज्ञान लेता है तो ज्ञान के आधार पर वैराग्य में पक्का होता है, एक स्तर का उसको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है ऐसा। योग मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त, सेंस कंट्रोल। ओके हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप की जय।